शोफ्ता बीमार السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाँ, वो तो आगे झुकना पड़ेगा. इसको भी बस सेट करके आप बैठ जाएं. एक तरफ हो नहीं हो, सामने ना हो. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد मेरे भाई और दोस्तों इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है और मिट्टी में एक खासियत है, इसमें गंदी झाड़ियां खुद पैदा होती हैं, कोई उनको उगाना नहीं पड़ता. लेकिन अच्छी फसल को उगाना पड़ता है, काश करना पड़ता है. कहीं आपको सेब का जंगल नहीं नजर आएगा, आम का जंगल नहीं नजर आएगा, कहीं आपको स्ट्रॉबेरी का जंगल नजर नहीं आएगा. जहां भी आपको ये पौधे नजर आएंगे, ये दरख्त नजर आएंगे, किसी इंसान के हाथ के लगे हुए होंगे. लेकिन कीकर, कांटेदार दरख्त, बेफल के दरख्त और बेलें, झाड़ियां, इनको कोई नहीं उगाता, ये खुद पैदा होती. हमारा मुल्क तो चूंकि ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चर है, और फिर ताल्लुक भी उसी फैमिली से है, तो अपने बचपन से देख रहे हैं कि खुदरो झाड़ियां सब मुज़र, गंदी, अच्छी फसल को खा जाने वाली होती. और कपास और चावल को, गंदम को, मक्की को काश करने के लिए जोर लगता है. फिर हमारा, मेरा ज़िला मुल्तान है, तो वो आमों के लिए बड़ा मशहूर है. तो एक पौधे को परवान चढ़ाने के लिए उम्र गुजर जाती है. यही सिफत इंसान के अंदर भी है. अल्लाह ने एक आयत में इशारा किया है, फअल्हमहा फुजूरहा वतक्वा. मेरे बंदे, चूंकि मैंने तुम्हें इम्तिहान के लिए पैदा किया है, तो तुम्हारे अंदर दो तार लगा दिए हैं, बुराई का भी, अच्छाई का, गलत का भी, ठीक का भी. जितने इंसान के अलावा मखलूक है, उनके अंदर गलत कनेक्शन है ही नहीं, ठीक कनेक्शन. उनका हर अमल परफेक्ट होता है,
कभी कभी हजारों लाखों करोड़ों साल से आप देख रहे हैं, कभी सेब के ऊपर आम नहीं उगेगा कि वो माजरत करे जी मैंने तो याद नहीं रहा थे आम की बजाय सेब निकल आया। कोई जानदार नहीं, भैंस के थनों से पानी नहीं निकलेगा, दूध ही निकलेगा, और बकरी के थनों से दूध निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा, शहद नहीं निकले, शहद की मक्खी दूध नहीं बनाएगी, सांप के अंदर जहर ही बनेगा, कोई और चीज नहीं बनेगी। इंसान के अलावा जितनी मखलूक है उनका इल्म, उनका मेथड खता से पाक है। इंसान फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा, तेरे अंदर बुराई भी भर दी है और तेरे अंदर अच्छाई भी भर दी है। तो उसमें बुराई का जिक्र पहले है, अलहमहा फुजूरहा, और अच्छाई का जिक्र बाद में है, व तक्वाहा। इसमें इस कानून की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया है कि तुम्हें मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी में कांटे खुद पैदा होते हैं, जहरीली गंदी जड़ी बूटियां खुद पैदा होती हैं, और आम किन्नू माल्टा सेब संतरा टमाटर की फसल को काश्त किया जाता है तब जाकर वो पैदा होती है, फिर पैदा होने के बाद भी उसकी हिफाजत का निज़ाम बनाया जाता है तब जाकर वो परवान चढ़ती है। तो इंसान के अंदर हसद और बुग़्ज़ और लालच और हिर्स और तमा, ये गंदी झाड़ियां हैं जो अपने आप पैदा होती हैं। लालच को सिखाने के लिए कोई टीचिंग सेंटर कोई नहीं है, झूठ को सिखाने के लिए कोई टीचिंग सेंटर नहीं है, तकब्बुर को गुस्से को ना माँ बाप सिखाते हैं ना स्कूल सिखाता है। ये जितनी गलत चीज़ें हैं ये अपने आप पैदा होती हैं। इसके मुकाबले में ईसार को सिखाना पड़ता है, सखावत को सिखाना पड़ता है, नफ़रत अपने आप पैदा होती है, मोहब्बत सीखना पड़ता है, जहालत अपने आप है, इल्म को सीखना पड़ता है, नफ़रत अपने आप है, और हमदर्दी को सीखना पड़ता है, दुनिया का लालच और हिर्स और हवस अपने आप है, और ईसार तवक्कुल सीखना पड़ता है। ये अल्लाह ताला ने फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा में ये हमें एक मैसेज दिया है कि चूँकि तुम इम्तिहान की जगह पर हो लिहाजा बुराई भी है अच्छाई भी है, अच्छाई को मेहनत से लाना पड़ेगा, बुराई को मेहनत से दबाना पड़ेगा, वरना ये अपने आप ये चीज़ें पैदा होती हैं, अज खुद ये वजूद में आती हैं। इनको कैसे काबू करना है और अच्छाइयों को कैसे वजूद में लाना है, ये इल्म इंसान के पास कोई ना था, यहाँ वो जाहिल था। ये इल्म लेकर अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आसमान से अल्लाह ने ये इल्म उतारा और उस इल्म को मुकम्मल किया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आकर वो इल्म मुकम्मल हुआ। وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, इंसान की इज्जत और फजीलत उसके इल्म की वजह से है, आदम के आगे फरिश्तों को झुकाया आदम के इल्म की वजह से, फरिश्तों से पूछा इनके नाम क्या, कहा जी पता नहीं, आदम तू बता इनके नाम क्या, उन्होंने सारे बता दिए, कहा इसको सजदा करो कि देखो इसके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो मेरे भाइयों, इंसान दुनिया में पैदा माँ के पेट से आता है, ला तअलमून शैया, वो कुछ भी नहीं जानता है और वो बिल्कुल जाहिल होता है, बिल्कुल जाहिल होता है। फिर उसको उसके सामने बाजार में दो मंडियाँ होती हैं, एक अच्छाई का बाजार है एक बुराई का बाजार है, एक में सच का सौदा बिकता है एक में झूठ का सौदा बिकता है, एक तरफ कुफ्र और शिर्क के अंधेरे हैं एक तरफ ईमान तौहीद का नूर और रोशनी है। तो इन बुराइयों में निकलने के लिए इंसान के पास ना ज़ाती इल्म है ना रहबरी है ना रहनुमाई है, इसको अल्लाह ताला अंबिया के ज़रिए से इस खला को पूरा करता है। और नबियों ने आकर सबसे पहला जो पौधा लगाया सबसे पहला जो बाग लगाया वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, कि सारी भलाइयों की जड़ ला इलाहा इल्लल्लाह है, और सारी
सारी मालूमात से पहला इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह है। फालम जानो, क्या फालम डॉक्टर बनने से पहले, फालम इंजीनियर बनने से पहले, फालम लॉयर बनने से पहले, फालम रोटी से पहले, फालम पानी से पहले, फालम शादी से पहले, फालम कारोबार से पहले, फालम इलाज से पहले, फालम घर बनाने से पहले, फालम सौदा करने से पहले, फालम बेचने से पहले, खरीदने से पहले, फालम फालम। ये मैं ये सारी बातें कहाँ से लाया हूँ? लफ्ज़ फा से, फा ये यानी है मैं कोई अपनी खिताबत नहीं जगा रहा हूँ। लफ्ज़ फा जो कुरान अरबी वाहिद जुबान है जिसके हर्फ का भी मतलब होता, हमारी उर्दू में फा का कोई मतलब, फारसी में फा का कोई मतलब, अंग्रेजी में एफ फा का मतलब देता हूँ, कोई मतलब कोई। लेकिन अरबी में हर्फ का भी मतलब है, हरूफ के भी मतलब है। और डिक्शनरी है अरबी की 17 जिल्दों में जो इब्न मंजूर रहमतुल्लाह ने उसको लिखा है, तो उसके मुकदमे लिखते मतलब है वाओ, जो कुरान जो अरबी में वाओ है इसके 8 मतलब है, 8। और उर्दू में वाओ ले आओ तो अगले और पिछले को जोड़ने के लिए मतलब ही कोई नहीं इसका। तो ये वाहिद जुबान है जिसके हरूफ के भी अल्लाह ने मतलब रखे हैं। तो ये जो मैंने कहा इससे पहले उससे पहले इससे पहले उससे पहले, आपको ये कहाँ लिखा हुआ है? ये फा में लिखा हुआ है, फा, क्योंकि ये वो जुबान है जो अपने हर्फों में भी मतालिब बयान करती है। फिर उसमें हर्फ दो तरह के हैं, एक जिनके ऊपर नुक्ता है पा ता ता अतवर है, उसकी एक वजह, बहुत सी वजहों में से एक वजह कि नुक्ते वाला हर्फ अपना मतलब बताने के लिए किसी और चीज का मोहताज है। बा अपना मतलब बताने को तैयार है लेकिन कहती मेरे ऊपर नुक्ता लगाओ फिर मतलब बता सकूंगी, वैसी नहीं। अलिफ कहता है मैं एवं ही दस देवना मैंने नुक्ते दी लोड़ी कोई नहीं। ये एक छोटा सा फर्क बताए, और ऐसे बहुत से इल्मी फर्क हैं कि नुक्ते वाले हर्फ कमजोर हैं, बगैर नुक्ते वाले ताकतवर हैं। जब अल्लाह ने अपना नाम मुंतखब किया तो अल्लाह कोई नुक्ते वाला हर्फ नहीं लाया, और जब अल्लाह ने अपने नबी का नाम चुना तो मोहम्मद कोई नुक्ते वाला हर्फ नहीं लाया, और दूसरा नाम रखा कुरान में अहमद तो कोई नुक्ते वाला हर्फ नहीं लाया, और जब कलमा बनाया पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह उसमें कोई हर्फ नुक्ते वाला नहीं, जब दूसरा जुज बनाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसमें कोई हर्फ नुक्ते वाला नहीं। फिर लफ्ज़ अल्लाह 4 हर्फ हैं, और लफ्ज़ मोहम्मद 4 हर्फ हैं, और लफ्ज़ अहमद 4 हर्फ हैं। अल्लाह ने इतना बराबर करके अपने और अपने हबीब को अपने साथ खड़ा किया कि अल्लाह बगैर नुक्ते, मोहम्मद अहमद बगैर नुक्ता, अल्लाह 4 हर्फ, मोहम्मद अहमद 4 हर्फ, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह एक हिस्सा, ये 12 हर्फ हैं, 12। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये भी 12 हर्फ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी 12 हर्फ हैं, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। यूं तोल के अल्लाह ताला ने हमें कलमा दिया कि सारी कामयाबियों का सिरा अल्लाह के हाथ में है, सारी इज्जतों का सिरा अल्लाह के हाथ में है, सारी बुलंदियों का सिरा अल्लाह के हाथ में है, सारे खजानों की चाबियां अल्लाह के हाथ में है, सारी सारी दुनिया और आखरत की शहनशाहियां अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, जमीन और आसमान की ताकत और जमीन और आसमान की चाबियां अल्लाह तबारक व तआला के कब्जे कुदरत में है, और उन तक पहुंचने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सारे खजाने अल्लाह के हाथ में, दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारी कामयाबियां अल्लाह के हाथ में, उनके सिरे तक पहुंचने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारी मोहब्बतें अल्लाह के कब्जे कुदरत में, उन मोहब्बतों को पाने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारी जहन्नम की आग अल्लाह ने भड़काई उस आग को बुझाने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारी जन्नत को अल्लाह ने नेमतों से नवाजा जगमगाया, मेरे नबी का फरमान है जन्नत की लड़की अपनी उंगली का इतने ये फिंगर टिप, सिर्फ ये फिंगर टिप सूरज को दिखा दे तो जात की कसम जिससे कज़मे मेरी जान है इस फिंगर टिप के सामने सूरज नजर नहीं आएगा।
हाँ, जिसकी फिंगर टिप इतनी खूबसूरत, उसका चेहरा कैसा हो। मालिक बिन दीनार कहने लगे, एक नौजवान से तुम्हें जन्नत की हूर का शौक है? कहने लगा नहीं। आपने कहा शौक रख कि उनके चेहरे का नूर अल्लाह के नूर में से है। फैन्ना नूर वजहिन्न मिन नूरिल्लाह तआला। उस सारे जन्नत के खजाने अल्लाह के हाथ में और उन तक पहुंचने का रास्ता मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी दुनिया की इज्जतें अल्लाह के हाथ में, उन तक पहुंचने का रास्ता जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी जिल्लतों से बचाने वाले अल्लाह ताला हैं और उनसे बचाने का वसीला बनने वाली जात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो फा फा फालम फा, रोटी से पहले फा, पानी से पहले फा, जॉब से पहले फा, ब्रिटिश पासपोर्ट से पहले फा, शादी से पहले फा, इलाज से पहले फा, घर खरीदने से पहले फा, कारोबार करने से पहले फा, कपड़ा बनाने बेचने से पहले फा, फा फालम, फिर उबर का फालम। मेरे बंदे मेरे बंदो, जो मर्जी रो, फालम सबसे पहले जानना ढूंढना किसको? ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले अल्लाह को जानना, सबसे पहले ये जानना कि एक है, एक है। वो वल्लज़ी फिस्समाए इलाहुन व फिल अर्द इलाह। सबसे पहले ये जानना कि जमीन आसमान का अकेला मालिक अकेला अल्लाह। सबसे पहले जानना अहक मन ज़िक्र, कोई याद के काबिल नहीं सिवाय अल्लाह के। अहक मन उबिद, कोई बंदगी के काबिल नहीं सिवाय अल्लाह के। अहक मन ज़िक्र, किसी का किसी को दिल दिमाग में जगह देने की गुंजाइश नहीं सिवाय अल्लाह के। अंसर मन तुखी, कोई मदद के काबिल नहीं सिवाय अल्लाह के। और अफअम मलक, कोई मेहरबान नहीं सिवाय अल्लाह के। वह अजवद मन सुइल, कोई सखी नहीं सिवाय। ये मैं जो अरबी के अल्फाज दोहरा रहा हूँ, ये मेरे नबी की बात है, मतलब मैं अपनी अरबी पढ़ के तर्जमा नहीं कर रहा। जो ये मेरे नबी ने अल्लाह की तारीफ की, या अल्लाह तू कैसा है। हमें अपने सौदा बेचना तो आता है, एक दुकानदार अपने सौदे की तारीफ में घंटा बात कर सकता, लेकिन यार तुम्हारा अल्लाह कौन है, कोई अपने अल्लाह का पता तो बताओ, तो सब गूंगे बन जाएंगे, सब गूंगे बन जाएंगे। तो मेरा मेरे नबी के इस कायनात पर एहसान है, सबसे बड़ा एहसान को उन्होंने अल्लाह का पता बताया और अल्लाह का सही पता बताया। और फिर एहसान है सहाबा का और हमसे पहले लोगों का कि जिन्होंने उसमें कोई मिलावट नहीं की, जो अल्लाह के नबी पर उतरा वैसे ही आज हम हमारे पास मौजूद है। उसमें एक जर्रा के बराबर मिलावट नहीं हो सकी, उसमें कोई खोट नहीं। 50 साल के बाद बाइबल बदल गई, 50 साल के बाद, 50 साल के बाद बाइबल बदल गई, क्योंकि बाद में नबी कोई नहीं आया। और जबूर तो वैसी वाज़ो नसीहत की किताब थी वैसी मिट गई, और तौरात का निशान मिट गया, उसकी जुबान मिट गई। लेकिन इस उम्मत ने जिस तरह मेरे नबी पे कुरान उतरा था वैसे हम तक पहुंचाया, जैसे उसके फरमान थे वैसे हम तक पहुंचाया। तो ये मेरे नबी की बात है। अल्लाहुम्मा अंता अहक मन ज़िक्र व अहक मन उबिद व अंसर मन इब्तुगी व अरअफ मन मलक व अजहद मन सुइल व औसअ मन आता। अल्फाज हैं या मोती बिखर रहे हैं, अगर जो आपको अरबी समझ में नहीं आ रही, रिदम तो बढ़ने में आ रहा है, कैसी शायरी है, शायरी नहीं है लेकिन शायरी है। और अब पागल हो गए कि ये मोहम्मद बोलता कैसे है। हम अरबी जुबान के हर एच पेज से वाकिफ, पर ये जो बात करता है क्या करता है। अहक मन ज़िक्र, अहक मन उबिद, अंसर मन इब्तुगी, व अरअफ मन मलक, व अजवद मन सुइल, व औसअ मन आता। انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك هاي 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 كل ملك سائل الا ملكك كل ذل قالس الا ذلك انت الغني لا ظهير لك انت العلي لا سمي لك। मैं तर्जमा भी करता हूँ लेकिन अल्फाज की ताकत समझ में आ रही नहीं आ रही। ठा 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 करके दिमाग पर आकर ज़र्ब लगाते हैं। ए मेरे रब, फालम सबसे पहले क्या जानो, ला इलाहा इल्लल्लाह।
कि जमीन आसमान में तू अकेला है, हवाओं में, आसमानों में, जमीनों में, धरती पर, पानियों पर, समंदरों पर, पहाड़ों पर, दरियाओं पर, जंगलों पर तेरा राज है, तेरे अकेले का राज है। चार पाँव पे चला तो तेरे ताबे होकर, दो पाँव पे चला तो तेरी तेरी बादशाही के साए में, हवाओं में उड़ा, जमीन पे रींगा, पानियों में तैरा, गार में छुपा, नालियों में छुपा, जमीन के अंदर में छुपा, सब तेरी शहंशाही के नीचे है। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहला इल्म जानना था, बर्तानिया में रहो, पाकिस्तान में रहो, मदीना में रहो, मक्का में रहो, अगर अल्लाह को जाना है तो आपको मुबारक हो, और अगर अल्लाह को नहीं जाना तो मदीने में रहकर भी नाकामी और मक्के में रहकर भी नाकामी है। अबू जहल मक्के में था और अब्दुल्ला बिन उबई मदीने में था, लेकिन उसे मदीना काम ना आया, उसे मक्का काम ना आया, क्यों? उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह को ना जाना। सलमान ईरान से चला और अल्लाह को पा गया, उसे ईरानी होना उसके मर्तबे को घटा ना सका। खंदक के मौके पर तकसीम किया गया, ये हिस्सा मक्के वाले मुहाजरीन खो देंगे, ये हिस्सा मदीने वाले अंसार खो देंगे। तो अब जब वो हिस्से तकसीम हो गए, लोग तकसीम होने को, सलमान पे आके झगड़ा हो गया। ये झगड़ा वोट का नहीं था, भाई मैनू वोट देवी, मेरी पर्ची बात जावे, ये था कि सलमान जिसके साथ होगा उसके लिए बड़ी इज्जत है। तो कुरैश कहने लगे सलमान मिन्ना, सलमान हम में से है, हिजरत करके आया है। तो मदीने वाले कहने लगे सलमान मिन्ना, ये हिजरत करके नहीं आया, ये तो बिकता बिकाया आया है, यहाँ आके कलमा पड़ा है, लिहाजा सलमान हम में से है। मदीने वाले कहने लगे सलमान हम में से है। वो सलमान का इज्जत अपने साथ लेना, सलमान की इज्जत अपने खाते में डालना चाहते। कुरैश कहने लगे सलमान मिन्ना हम में से है, मुहाजिर है। तो दोनों में तक फैसला नहीं हुआ, चूंकि कोई फरीक राजी नहीं हुआ। चलो भाई अल्लाह के नबी से पूछते हैं, आ गए, या रसूल अल्लाह हम कह रहे हैं कुरैश मक्का सलमान हम में से है, मदीने वाले, या रसूल अल्लाह हम कह रहे हैं सलमान हम में से है। कहा मैं फैसला करता हूं, न तुम में से है न तुम में से है, सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से, सलमान मेरे अहलुल बैत में से। ईरानी होकर अहलुल बैत में जा रहा है, और अबू जहल और अबू लहब, चलो अबू जहल तो मखजूम ही था, अबू लहब तो चाचा हाशमी कुरैशी होकर वो खानदान से निकलकर, इस्लाम से लेकर, इंसानियत से निकलकर जानवर में शरीक हो रहा है, और सलमान ईरानी होकर और अहलुल बैत में शामिल हो रहा है। सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से है, मेरे औल में से है। तो पहला इलम मेरे भाइयों है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह को जानना, कि सारी कायनात की शहंशाही अल्लाह के हाथ में है। मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, और उसकी बादशाही इतनी ताकतवर है कि पत्ता भी गिरता है तो उससे पूछ के गिरता है, उसके इरादे से गिरता है, उसके इल्म से गिरता है। बारिश का कतरा हो, दरख्त का पत्ता हो, हवा का जर्रा हो, हवा का झोंका हो, दरिया की मौज हो, समंदर की मौज हो, पानी का बुलबुला हो, बुलबुले का फटना हो, फट के फिजा में बिखरना हो, सूरज की किरण हो, चांद की चांदनी हो, तारों की झिलमिला हो, रात का अंधेरा हो, दिन का उजाला हो, दरियाओं की मौजें हो, सहराओं के टीले हो, जंगल के दरख्त हो, पहाड़ों के पत्थर हो, मेरे रब की कसम हर शय पर अल्लाह का कब्जा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ। الله نور السماوات والأرض الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل والسارب بالنهار يساري آيات لا إله إلا الله پہلا علم ہے لا إله إلا الله اے میرے بھائیو ہم بڑے نصیب والے ہیں ہمیں اللہ نے یہ ماں کی گود میں دے دی मैं स्कॉटलैंड में एक सिख नौजवान मुसलमान हुआ, बयान सुनने मिले, किसी ने दावत दिया, लंकल मैं पढ़ा दिया,
मुझसे मिला और फूट फूट के रो दिया कि सारे खानदान ने बायकॉट कर दिया है, न माँ बात सुनती है, न बाप सुनता है, न भाई सुनता है, न बहनें सुनती हैं, सब ने मेरा बायकॉट कर दिया है। वो ऐसे रोया जैसे बच्चे रोते हैं, 30-35 साल का नौजवान, कि रिश्ते तोड़ना कोई आसान काम होता है। हमारी एक जमात थी सवात में, तो एक नौजवान को हमारा एक साथी दावत देने लगा, वो चुप करके सुनता रहा, फिर कहने लगा, बुजुर्गो मुझे पता है इस्लाम सच्चा मजहब है, आपने मुझे मुसलमान समझा, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, मैं अगर आज मुसलमान हूँ तो मुझे 70 रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, 70, और मुसलमानों में कोई एक भी नहीं जो मुझे कबूल करे, अपनी बेटी मुझे निकाह में दे, मेरा जिम्मा उठाए, तू बता मैं मुसलमान हो के फिर कहाँ जाऊँगा। तो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ने माँ की गोद में दे दिया, हमें रिश्ते नहीं तोड़ने पड़े, रिश्ते नहीं काटने पड़े। कायनात की सबसे पहली चीज अल्लाह को पहचानना, फा फा फालम फा, हर चीज से पहले जान अल्लाह है, अल्लाह है, और इस सारी कायनात पर उसका कब्जा और राज है। उसके खजानों से लेने का एक सही रास्ता, एक गलत रास्ता। वो देता, उसने फिरौन को बादशाही दे दी, यहूद को सारी दुनिया की दौलत दे दी, ये नहीं कि वो काफिर को नहीं देता, वो सबको देता है, लेकिन खुश होकर दे, दे भी और खुश भी हो। फिरौन को हुकूमत दी नाराज होकर, सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत दी खुश होकर, ईरान के खुसरो को हुकूमत दी नाराज होकर, उमर फारूक को हुकूमत दी खुश होकर, कि अल्लाह के खजानों से इस तरह लेना कि दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए, यहां भी काम बने आगे भी बने। उसके लिए कलमे का अगला हिस्सा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमे के साथ इसको जोड़ा, ये सारे खजानों के लिए, जैसे मैंने पहले एक और तरह ताबीर कर रहा था, अब उसी को दूसरी तरह कह रहा हूं कि सारे खजानों पर ताले हैं, उसकी चाबी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे खजानों के दर खुलेंगे, चाबी है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहन्नम के दरवाजे खुले हुए हैं और जन्नत के दरवाजे बंद हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद करवाने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के दरवाजे खुलवाने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जतों के लिए जीना बनने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम की आग से खींच कर दूर ले जाने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में इज्जत से सर उठा के चलने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरकतों मोहब्बतों उल्फतों के पैदा करने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमे का दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इस तरह अल्लाह ने अपने साथ जोड़ा है कि जब आप मेराज पे गए तो आपने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह आपने इब्राहिम को तो खलील बनाया और मूसा को कलीम बनाया और दाऊद के लिए लोहा नरम किया, सुलेमान के लिए हवा ताबे की और ईसा के लिए मुर्दे जिंदा किए अलैहिस्सलाम, हर नबी का मौजज़ा गिनवाया, तो अगर फमाजा जअलतली, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, मेराज पे बात। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलैसा कद आतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्ले, मेरे महबूब आपको वो दिया जो किसी को भी नहीं दी, वो क्या है, अल्लाह ज़िक्रतु इल्ला ज़िक्रतु मई, क़यामत तक आपका और मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, अलग नहीं हो सकता, जुदा नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आदम जुड़े, उतर गए, शीस आए, उतर गए, नू आए, जैसे ऑफिसर तब्दील होता है तो नेम प्लेट तब्दील हो जाती है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जुड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हमेशा के लिए, क़यामत का धमाका भी इस जोड़ को नहीं तोड़ सकता और क़यामत का दिन भी इस जोड़ को तोड़ नहीं सकता और जन्नत का दरवाजा इसके बगैर खुल नहीं सकता। तो अल्लाह के खजानों से नफा उठाने के लिए अब यहां रहो, आगे चले जाओ, अमेरिका उससे आगे चले जाओ, कनाडा अलास्का चले जाओ, लेकिन अगर आपके पास मोहम्मदी जिंदगी है तो आपके लिए जमीन आसमान गवाह है और अल्लाह आपका जामिन है कि अल्लाह आपको हर कदम पे इज्जत कामयाबी कामरानी के झंडे आपके लिए गाड़ देगा। अगर मेरे और आपके अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक और पाकीज़ा जिंदगी मौजूद है, अल्लाह ताला ने, मैं हर जगह ये मिसाल दिया करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वीज़ा है,
ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वीजा है। पासपोर्ट के बगैर सफर नहीं हो सकता और वीजे के बगैर एंट्री नहीं हो सकती। अंदर जाने के लिए वीजा चाहिए तो पुल सरात पे वीजा मांगा जाएगा, पुल सरात पर ही बाकायदा में जवाज एक पासपोर्ट होगा, उस पे मोहम्मदी वीजा है। तो अल्लाह ने पासपोर्ट तो हमें मुफ्त दे दिया, बनवाना नहीं पड़ा, लेकिन एक काम हमारे जिम्मे है कि हम वीजा लगवा लें, मरने से पहले पहले हम वीजा लगवा लें। वीजे के बगैर ये छोटे छोटे मुल्क अंदर नहीं आने देते। वो हमारी जमात के बांग्लादेश शुरू शुरू में अभी नया नया बना था, वो वीजा नहीं था हमारी जमात के पास, उन्होंने पासपोर्ट पर उनको डिटेन कर लिया, अब अंदर नहीं जा सकते। 3 घंटे उनको बिठाए रखा, फिर बाहर से दोस्त है और उनको वहीं फौरी वीजे लेकर निकाले। एक छोटा सा गरीब मुल्क कहता है वीजा दिखाओ, तो जन्नत तो मेरे अल्लाह का मेहमान खाना है, मेरे अल्लाह ने दुनिया बनाई, एक दफा इसे मोहब्बत से नहीं देखा। जिस दिन से जन्नत को बनाया है रोजाना 5 दफा पहले से ज्यादा उसे खूबसूरत बना देते, रोजाना चूने से ईंट से। और जन्नत की अदना चीज है सोना और चांदी, हीरे और जवाहर, ये अदना चीज है अदना। आपने कहा उमर मैंने रात एक महल देखा, एक ईंट मोती की थी, एक याकूत की थी, एक जुमरुद की थी, उसमें मुश्क का गारा था और जाफरान की घास थी। मैंने पूछा भाई ये किसका है, तो फरिश्ते ने कहा ये कुरैशी का है। पता नहीं उसने पहले नाम क्यों नहीं लिया, मेरे नबी ने फरमाया, मैं वैसा ही सुना रहा हूं, तो आपने फरमाया भाई ये महल किसका है, तो फरिश्ते ने कहा ये कुरैशी का है। तो आपने फरमाया, मेरे जी में आया इतना आलीशान महल है ये मेरा ही होगा, चूंकि मैं कुरैशी भी हूँ नबी हूँ तो मेरा ही होगा ये महल। फरमाया कि मैं जब चला उसकी तरफ से, कहा हुजूर आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का, आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। वीजा बहुत बड़ा मुआइदा, रईत थम्मर ईत नईमन व मुनकिन कबीरा, मेरा अल्लाह कह रहा है आओ तो सही तुम देखना कितना बड़ा मुल्क है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया। मुल्कन जब अल्लाह कहे मुल्कन कबीरा, सबसे छोटा जन्नत। ये जन्नत का जब पाकिस्तान में 2.5 मरला स्कीम पर हुकूमत ने घर बनाया ना, छोटे से 2.5 मरला स्कीम, तो जन्नत का जो 2.5 मरला स्कीम है, आखिरी जन्नत, जन्नत की आखिरी जन्नत, ये 7वां आसमान जन्नत का बेड बनता है, यानी उसकी फाउंडेशन है। फिर अल्लाह ने उसको यहां से उठाया और ये अर्श पे जाकर उसको लगा दिया है, और जो अर्श के साथ जन्नत बनाई है उसका नाम फिरदौस है, उसका नाम फिरदौस है। जो नीचे जन्नतें हैं उनको कहा कूनी ए जन्नत बन जा, वो बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई, जब यहां आ गई और ऊपर रह गई अर्श की छत, तो अल्लाह ताला ने वहां अमर कुन से हटकर मेरे नबी ने कहा अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया है। इंसान के हाथों की बनी चीजें आदमी देख के दंग रह जाता है, तो जिसे अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो क्या चीज बनेगी। यहां पानी की नहरें बहाई, वो भी मिट्टी से और आंधियों में आकर गंदा हो जाता है, वहां दरिया बहा दिए शहद के, शराब के, दूध के, पानी के, और सारे दरियाओं का जो जहां से वो निकलता है सब कुछ वो जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस। और ये आपके 7 बर्रे आजम 24,000 किलोमीटर की दुनिया को उठाकर जन्नत की किसी एक नहर में डाल दिया जाए, ऐसे डाल दिया जाए, तो रब्बे जुल जलाल की कसम ये ऐसा लगेगा जैसे कोई एक छोटा सा पत्थर तुम किसी दरिया में डाल दो तो उसके न जाने का पता चलेगा ना डूबने का पता चलेगा। ये 24,000 किलोमीटर का गेंद जन्नत की किसी एक नहर में डाल दो, यूं जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा है कहाँ। इतना बड़ा निजाम मेरे अल्लाह ताला ने वहां बनाया है। वह इदार ऐत थम्मर ऐत नईमन व मुल्कन कबीरा, इतना बड़ा है कि मेरा रब कहता तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो जन्नत की 2.5 मरला स्कीम, यानी सबसे छोटी जन्नत का जन्नती जब जन्नत में जाने लगेगा, पहले जहन्नम में आग में जलता 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 फना हो जाएगा,
फिर जब उसकी सजा पूरी हो गई तो अल्लाह ताला उसको उठाकर एक जगह पहुंचा देगा और उससे ऊपर एक दर्जा उसको दिखा देगा। वो अल्लाह ताला से कहेगा, या अल्लाह मुझे यहां पहुंचा दे, मैं इससे आगे तुझसे नहीं मांग। अल्लाह ताला फरमाएंगे, इससे आगे तो नहीं मांगेगा, कहीं तेरी कसम कुछ नहीं मांगता। तो अल्लाह उसको वहां से उठाकर यहां बैठा देगा, यहां बैठाएगा तो उसको एक और दर्जा दिखा देगा। वो फिर उसको देखकर थोड़ी देर तो सब्र करेगा, फिर कहेगा या अल्लाह तेरी मेहरबानी वहां पहुंचा दे। तो अल्लाह कहेंगे फिर आगे का तेरी कसम आगे नहीं मांगूंगा। अल्लाह तो उसको वहां पहुंचा के एक दर्जा और यूं दिखा देगा, वो उसका आखिरी घर होगा जो उसने जाना था। ये अल्लाह का लाड होगा उस बंदे के साथ के दोजख में सैलित रोड हो गई तो अल्लाह उसके साथ दिल लगी करके उसको ऊपर तक ला रहा है, तो उसका असल घर उसको दिखाएगा। अब पीछे तीन चार दफा वो कस्में खा चुका है और तोड़ चुका है, अब वो उधर देखता है तो सब्र नहीं आता और कस्मों का ख्याल आता है तो डर लगता है कि कहीं रिवर्स गियर ना लग जावे, तो लिहाजा वो अंदर ही अंदर अब बेचैन हो रहा है, बेचैन हो रहा है, मांगने से भी नहीं रह रहा और मांगते हुए डर भी रहा है अंदर ही अंदर। तो अल्लाह तो देख रहा है अंदर क्या हो रहा है। तो आखिर अल्लाह थोड़ी देर के बाद जब वो नहीं मांगता तो अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे मांगता क्यों नहीं? वो कहेगा, या अल्लाह इतना मांगा कि शर्म आ रही है मांगते हुए, और इतनी दफा कसमें तोड़ी हैं कि अब कसम तोड़ते हुए शर्म आ रही। तो अब अल्लाह ये कहेगा, हाँ मेरे नबी ने फरमाया और जो भी मेरे नबी ने फरमाया सच फरमाया, हाँ मेरे बंदे तू राजी है कि मैंने जिस दिन दुनिया बनाई थी उस दिन से लेकर जिस दिन मैंने उसे तबाह किया था, इस सारे को 10 गुना करके तुम्हें दे दूं, राजी हो? वो इतना बेयकीना होगा कि अल्लाह से कह बैठेगा, या अल्लाह रब हो के मजाक तो ना कर मेरे नाल, अतस्ताहज़िबी व अंतर रब, या अल्लाह तू बादशाह शहंशाह तू मेरे जाए कमी कमी नाल मजाक कर रहे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, बला अना अला ज़ालिक क़दीर, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, इस पे क़ादिर हूं, चल दे दी। अल्लाह अकबर, सबसे छोटा जन्नती जन्नत में दाखिल हो रहा है, दरवाजा खुल रहा है, उसका नौकर देखकर उसके नौकर को जो दरवाजा खोलेगा उसको देखेगा उसका हुस्न जमाल, तो उसके आगे ऐसे थोड़ा झुकेगा, वो कहेगा अब क्या कर रहे हैं? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो, तुम्हें मैं इज्जत दे रहा हूँ। वो कहेगा मैं फरिश्ता नहीं, मैं तो आपका नौकर हूँ। अच्छो, फिर उसको लेके थोड़ा सा चलेगा तो एक नूर उठेगा जबरदस्त, तो एकदम सजदे में चला जाएगा। तो फिर उसको नौकर कहेगा, मेरे आका आपने किसको सजदा किया है? कहेगा ये सामने अल्लाह का नूर नहीं? कहेगा नहीं 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 नहीं, ये तो आपके घर की लाइटें हैं, आपके घर की रोशनियां हैं, अल्लाह का नूर अभी कहाँ है? अच्छो, फिर आगे चलेगा तो 80,000 नौकर उसको गॉड ऑफ ऑनर पेश करेंगे और 80,000 नौकर उसका इस्तकबाल करेंगे और लाइन बना के खड़े होंगे और उसके लिए कारपेटिंग होगी, 40 साल उस पर चल सकेगा, इतना बड़ा कारपेट बिछाया जाएगा। वो उसे कहेंगे, मेरे आका आप बड़ी देर से आए, आप बड़ी देर से आए। वो कहेगा तो उसी शुक्र करो मैं आ गया जी, बड़े लेतर खा जे मैंने। फिर उसको लेकर वो एक बड़े खूबसूरत मैदान में पहुंचेंगे और उसको बिठाएंगे। 80 अभी अब हम भी खाना खाने वाले हैं, 2-4 रोटियां तो बाद हर एक दिन बस हो जाऊंगे, पानी पियो तो खाने की गुंजाइश नहीं, खाना खाओ तो पीने की गुंजाइश नहीं। ये 80,000 नौकर होंगे, एक हाथ में डोंगा होगा, एक हाथ में गिलास होगा और एक में खाना होगा, एक में कुछ पीने की चीज होगी। ये उसको पेश करेंगे, ये 80,000 डोंगे की का आखिरी लुकमा तक खा जाएगा और 80,000 गिलास का आखिरी घूंट पी जाएगा। न पीने की लज्जत में कमी, न खाने की लज्जत में कमी, और हर अगले लुकमे और पानी की लज्जत पहले से ज्यादा होगी, पहले से ज्यादा होगी। इतना खाने के बाद पेशाब नहीं और पखाना नहीं। फिर कहेंगे अच्छा अब हम चलते हैं, अब अपने घर वालों से मुलाकात फरमा लें, और वो यूं गायब हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि ओ गए तो उन्होंने जाते जाते भी आधा घंटा लग गया, 80,000 बंदे जावना है, वो यूं गायब हो जाएंगे, एक सेकंड में गायब हो जाएंगे। और फिर एकदम सामने से ऐसे पर्दा हटेगा, ऐसे पहले उसे पता नहीं होगा कि आगे पर्दा है, एकदम जब हिलेगा तो उसे पता चलेगा तो कोई पर्दा है, ऐसे पर्दा हटेगा हटेगा ऐसे। और एकदम एक लड़की एक तख्त पर यूं बैठे होगी उसके सामने,
उसने 100 जोड़े पहने होंगे और हर जोड़े का रंग अलग होगा और हर जोड़ा पिछले जोड़े से नजर आएगा। अब मैंने आप कुर्ता पहने तो आपको बनियान नजर नहीं आ रही, जहां वेस्ट कोट है वहां कुर्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके 100 जोड़े अलग अलग नजर आएंगे और फिर आखिर में पूरा जिस्म शीशे की तरह चमकता हुआ नजर आएगा और हुस्न ऐसा होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं 2.5 मरला स्कीम, ऊपर वाली जन्नत नहीं बता रहा हूं, 2.5 मरला स्कीम बता रहा हूं जन्नत की। जब उस लड़की के चेहरे पर उसकी नजर पड़ेगी तो उस रब की कसम जो मेरी और आप जिसकी नजर है और जो सुन रहा है और देख रहा है, यहां इन गालों में उसे अपना चेहरा नजर आएगा, ऐसा चमकता चेहरा होगा, ऐसा हुस्न जमाल होगा। तो हैरान परेशान जब पहली नजर पड़ेगी तो जिस हालत में वो बैठा होगा, खब्बे पास सजे पास बैठा है, खब्बे पास बैठा है, टेक लाके बैठा है, वो जहां बैठा होगा वहीं गुम हो जाएगा और 40 साल गुजर जाएंगे, उसको पहलू बदलने का होश नहीं रहेगा, 40 साल सिर्फ देखने का मजा लेता रहेगा। चूंकि हमारा टाइम अल्लाह ने जीरो कर दिया है तो गुजरने का तो पता नहीं चलेगा, लेकिन दुनिया के लिहाज से 40 बरस गुजरेंगे और उसको देखने का शौक लज्जत पूरा नहीं होगा। वो देखते आखिर वो लड़की कहेगी, या वली अल्लाह अमालक फीना मिन रहबतन, आपको मेरा शौक नहीं है, मेरे पास नहीं आओगे, दूर ही बैठे रहोगे। फिर उसको होश आएगा, जैन दोजख दे काले फरिश्ते वे के जन्नत दी हूर वे के कमला नो में तो और की हो, वो कहेगा अल्लाह की बंदी तो है कौन, मनंती कौन है, क्योंकि तेरी बेगम तेरी जिंदगी की साथी तेरे इंतजार में, सबके घर वाले पहुंच गए, मैं ही तेरे इंतजार सुगड़े पै गए। फिर वो उठ के जाएगा और उसको गले लगाएगा। ये मान का 70 साल मान खड़े होकर उससे मान के भी खड़ा रहेगा 70 बरस मकदार उम्र ही मैंने दुनिया। ये मैं आपको जन्नत का सबसे अदना घर बता रहा, तो इतना बड़ा मेरे रब का सेटअप है तो वीजा तो चाहिए। छोटे छोटे मुल्क होते हैं, इतनी फीसें रखते हैं, डेटें देते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फिंगरप्रिंट लेते हैं, तो अल्लाह ताला भी तो फिंगरप्रिंट लेगा, मुझे थोड़ा सा बस मोहम्मदी झलक दिखा दो, बस वो है तो आ जाओ, ये मेरा मेहमान खाना है, मैं यहां उन्हीं को दाखिल होने की जगह दूंगा जो मेरे महबूब के सांचे में ढल के आएंगे। एक से प्यार किया और फिर ऐलान किया, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्कमूक फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजदु फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा। क्या मेरे हबीब बर्तानिया वालों को बता दे और पूरी दुनिया को बता दे, जब तक तेरी गुलामी का दम नहीं भरेंगे मैं इन्हें कबूल नहीं करूंगा, तेरे ताबे होकर आएंगे तो कबूल है, तेरे ताबे नहीं है तो कबूल नहीं है। ऐलान कर दिया पूरी दुनिया के इंसानों को, मर्दों को औरतों को बता दिया कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। अपने कहा बिलाल, अरे भाई क्या हुआ, मैं जब जन्नत में जाता हूं मैं तुझे अपने आगे देखता हूं, तेरे कदमों की आहट सुनता हूं, तू क्या करता है? ये मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी से मिला है। आपने फरमाया मैं जन्नत में गया, मैंने सुना कुरान की तिलावत, मैंने कहा ये कौन कुरान पढ़ रहा है, कहा जी हारिसा बिन नुमान पढ़ रहे हैं। कहा हारिसा बिन नुमान तो मदीने बैठा है, इतनी तिलावत की थू आ गई, लेकिन आप थोड़े से लोगों को सुनाने के लिए ये कितना बड़ा माइक सिस्टम लगा हुआ है और जहाँ जहाँ हवा ख़त्म हो जाती वहाँ तो बात आगे कन्वर्ट नहीं होती, आगे मुंतकिल नहीं होती, तो 7 आसमान के ऊपर जन्नत है और मेरे नबी वहाँ खड़े हुए हारिसा की तिलावत सुन रहे हैं, केड़े तारा मिछाई हैं अल्लाह ताला ने, मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी है। तो अच्छा ये उसकी आवाज जन्नत में पहुंची कैसे, हारिसा बिन नुमान की आवाज जन्नत में पहुंची कैसे? तो पता चला कि माँ की ऐसी खिदमत की है कि अल्लाह ने खुश होकर फरमाया है जब कुरान पढ़े सारी जन्नत को सुनाओ। ये सिला माँ की खिदमत की वजह से मिला। 2 सहाबा के बारे में आता है कि जैसी उन्होंने माँ की खिदमत की किसी ने नहीं की, एक हजरत उस्मान और एक हजरत हारिसा बिन नुमान। ये माँ के कैसे खिदमत गुजार थे, कंघी खुद करते थे, तेल खुद लगाते थे, रोटी खुद बनाते थे, सालन खुद बनाते थे, बैठ के उसको तोड़ के खाने नहीं देते थे, खुद तोड़ तोड़ के खिलाते थे और उसके कपड़े खुद धोते थे, बीवी से कोई काम नहीं लेते थे। हमने तो बीवियों पर डंडा उठाया था, अगर तू मेरी माँ दी कर मैं तो वेल कोई नहीं।
वो खुद करते थे, बीवी को करीब नहीं आने देते थे। तो भाइयों, अल्लाह के खजानों से लेने का रास्ता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी, मुबारक ज़िंदगी। उस ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया। आज तो 1435 हिजरी है, मेरे रब की कसम 1435 हिजरी भी होगी ना तो मेरे नबी की हर अदा महफूज होगी, हर चीज़ महफूज होगी, ताकि लेने वालों को पता हो कि हमने क्या लेना है और पता हो कि हमने क्या छोड़ना है। क़यामत तक अल्लाह ने अपने नबी की ज़िंदगी की हर शय को महफूज कर दिया। सारी जब इंसानियत की नबूवत दी, सारे इंसानों की नबूवत दी, आने वाले ज़मानों की नबूवत दी, तो आपकी ज़िंदगी को बाकी रखना भी तो फिर अल्लाह के ज़िम्मे था ना। तो अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी, ये वाहिद नबी हैं, वाहिद नबी हैं जिनकी ज़िंदगी की हर शय महफूज है, किसी नबी की ज़िंदगी महफूज नहीं है। लेकिन चार बड़े रसूल, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये चार बड़े रसूल हैं, 313 रसूल आए हैं, हमें तो ये चंदे के नाम है, बाकी तो नाम भी तारीख ने मिटा दिए। फिर जो नाम महफूज हैं, कुरान में 25 नबियों का जिक्र आया, उनकी बड़ी मुख्तसर तारीख है, कहाँ कैसे क्या ज़िंदगी कुछ पता कोई नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत इस वक्त सबसे ज़्यादा है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी क्या थी किसी के पास कोई नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी क्या थी मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे नबी यतीम पैदा हो रहे, ईसा अलैहिस्सलाम तो मौजज़े से पैदा हुए, मौजज़े से, मूसा अलैहिस्सलाम मौजज़े से पैदा हुए, लेकिन हमारे नबी तो यतीम पैदा हो रहे, बल्कि दादा बेकरार है और बैतुल्ला का पर्दा पकड़ के रो रहा है, या अल्लाह मेरा अब्दुल्ला मर गया, आज उन्होंने बच्चा दे दे ताकि वो निशानी रह जावे, उसे क्या खबर कि आज कौन आ रहा है। वो तो बैतुल्ला का पर्दा पकड़ के अब्दुल मुत्तलिब रो रहे थे कि या अल्लाह अगर बेटी पैदा हुई तो मेरे बेटे का निशान मिट जाए, आज मेरे बेटे के घर बेटा पैदा कर दे, और उसे नहीं खबर के उसके घर में दो जहान के सरदार आ रहे हैं। जिन्हें खबर थी उन्होंने शोर मचा दिया। सुबह हुई तो 12 रबीउल अव्वल की सुबह एक यहूदी आया हुआ था तिजारत के लिए मक्के, तो उसने हरम में शोर मचाया, आज किसी कुरैशी का बच्चा पैदा हुआ है? कहा हाँ, आज दो बच्चे पैदा हुए। किसके? उनका फलां का बेटा पैदा हुआ है। कहा उसका बाप जिंदा? कहा हाँ। कहा नहीं, कोई ऐसा बच्चा बताओ जिसका बाप मर चुका हो। कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। कहा मुझे दिखाओ। तो आपको बाहर लाया गया, उसने जो ही आपके चेहरे पर नजर डाली और फिर पलट के मोहरे नबूवत पे जो नजर पड़ी, तो उसकी चीख नहीं का, वैलुल बनी इसराइल लकद खरजत नबूवत मिनहा, हाय बनु इसराइल आज नबूवत तुम्हारे घर से निकल गई, और ऐ कुरैश आज ये इज्जत तुम्हारे घर में उतर गई। एक दिन आएगा इस बच्चे का नाम कुल कायनात में रोशन होगा, और कुल कायनात को ये रोशन करेगा ये बच्चा। जिन्हें खबर थी वो तो शोर मच गया। एक समंदर की मछलियों ने दूसरे समंदर की मछलियों को जाके मुबारक दी, दुनिया में पहली और आखिरी दफा हुआ, वरना हर मछली अपने बाउंड्री जानती है, जब वो अपने बाउंड्री पर आती वापस चली जाती, पानी आपस में नहीं मिलता, मछली मिलती। केप टाउन के आखिर में गया, वहां पैसिफिक और इंडियन ओशन मिल रहे हैं, तो मुझे वहां दोस्तों ने बताया कि वो दो समंदर आपस में यूं लकीर बनी हुई थी, और जहां तक नजर जाती थी पानी आपस में मिल नहीं रहा था, बल्कि पार्टीशन साफ नजर आ रही थी। तो उन्होंने कहा जी, इससे भी अगली बात यह है कि इस समंदर की मछली इधर नहीं जाती और इधर की इधर नहीं आती, जब इस किनारे पर आती तो वापस चली जाती, वही आती तो वापस चली जाती है। दुनिया में सिर्फ ये, अब मैं आगे कह रहा हूँ, दुनिया में सिर्फ एक दफा हुआ जिस दिन मेरे आपके नबी पैदा हुए, एक समंदर की मछलियों ने दूसरे समंदर की मछलियों को जाके मुबारक दी कि आज कायनात के सरदार आ गए, आज वजह कायनात आ गए, कायनात के लिए रहमत आ गए। और दुनिया में जितने बुत थे जमीन पे जा गिरे, और ईरान के बादशाह के महल में 1000 साल से आग जल रही थी, एकदम बुझ गई, और ईरान का बादशाह नौशेरवान ने वो महल बनाया था संगमरमर से, उसके 14 बड़े बड़े बुर्ज टूट के जमीन पर गिर गए। हुआ कि एक यतीम पैदा हो रहे हैं, यतीम, दूध पिलाने वालियां दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं है। 10 औरतें आती हैं, हलीमा के भाग जागने थे,
उसकी सवारी कमजोर थी, वो लेट हो गई, तो उनके खानदान की सारी औरतें 9 बच्चे लेके चली गईं। हर औरत ने इस यतीम को पूछा और यतीम समझ कर छोड़ दिया। फिर हलीमा मक्के में एंटर हुई तो इन्होंने भी देखा यतीम है, मुझे मुआवजा कौन देगा, पैसे कौन देगा। सारा मक्का फिर के आके थक के बैठ गई तो खामिद ने कहा, हलीमा खाली गोद जाने से बेहतर नहीं कोई यतीम हम गोद में ले लें, चले हमें अजर ही सही। हाँ चलो ये ठीक है। अब दोबारा गई भी खाली गोद जाना मुझे ताना मिलेगा। कहा कि अमना बहन अपना बच्चा दे दो। उन्होंने फरमाया इसकी बरकतें तो देखेगी जब ये तेरी गोद में आएगा। उनकी छातियां खुश्क थीं, जो ही गोद में लिया दोनों छातियां दूध से भर गई और आपने एक छाती से दूध पिया दूसरी तरफ लगाया तो इनकार कर दे, मुंह बंद कर लिया कि एक और बेटा था हजरत हलीमा का जो दूध पीता था। शुरू से आपने इंसाफ की बुनियाद रखी। और इससे अजब बात अब बताने लगा हूं कि अगले दिन जब हजरत हलीमा सवार हुई अपनी गधी पर, खोती थी जिसको, उस पर सवार थी, ऊंटनी पर सामान था उसी का, हाँ जब रात हुई तो भूख से बेताब तो कहने लगी अपने खामिद से, इब्न अबी कबशा ना अबू कबशा जाके देखो तो सही दूध का कतरा, उनको थान तो खुश्क है दूध कहां से होगा। फरमाने लगे जा कोई देख शायद कोई एक आध कतरा निकल आए तो को चलो कोई लब ही हमारे तर हो जाएं। तब अब तो हजरत हलीमा के खामिद उठते हैं और जाकर टटोलते हैं तो जब थनों पे हाथ पड़ता है तो वो लटक के नीचे आए हुए थे दूध की वजह से, और वो एक कतरा मांग रही थी पूरा जग भर के लिए, पूरा बर्तन भर के लाए। वो हलीमा ने कहा ये कहाँ से आ गया, कहा उसी ऊँटनी से आया, लगता है ये बच्चा कोई बरकत वाला है, उस ऊँटनी को भी पता है कि कौन आ गया है खेमे में। अब सुबह जब हुई और अब गधी पर सवार हुई और गधी की लगाम उठाई उसको चलाने के लिए तो उसने एकदम तेजी से मुंह मोड़ा और बैतुल्ला की तरफ मुंह करके सजदा किया, फिर सर उठाया आसमान को शुक्रिया का, फिर सजदा किया, फिर सर उठाया, फिर सजदा किया, फिर सर उठाया और फिर मुंह सीधा करके हलीमा के गांव की तरफ चल पड़ी हैं कि जिस गधी पर आप सवार हुए उसे भी पता चल रहा है कि ये यतीम कौन है, ये कौन आ गए हैं। हज़रत अब्बास कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे तो आपके बचपन में पता चल गया था आप कोई बड़ी शान वाले हैं। आपने कहा वो कैसे पता चला, कहा आप चारपाई पे लेटे हुए थे सहन में, ऊपर 14वीं का चांद था तो आप बच्चा मूवमेंट करता है ऐसे ऐसे हाथ पांव मारता है, अल्लाह का निज़ाम है जिससे उसका ग़िज़ा डाइजेस्ट होती है। तो कहा मैं देखता रहा तो मैंने देखा कि आपके हाथ की हरकत के साथ चांद उधर हो जाता था, जब आप यूं करते चांद उधर हो जाता, जब यूं करते चांद उधर हो जाता, आपके हाथ और पांव की हरकत के साथ चांद जिग-जैग कर रहा था। तो आपने फरमाया चांद मुझसे खेलता था, मुझे लोरियां सुनाता था, यु हाकीनी व युनागीनी व यमनुनी मिनल बुका, चांद मुझे खिलाता था, मेरे साथ खेलता था, मुझे कहानियां सुनाता था और मुझे रोने से रोके रखता था ताकि मेरी माँ के काम में कोई खलल ना आए। ये तो पंघोड़े में गोद में ये शहनशाहियां अल्लाह ताला ने दिखाई और ये बुलंदियां अल्लाह ताला ने दिखाई। वाहिद नबी हैं जिनकी पैदाइश से लेकर दुनिया से जाने तक की हर अदा महफूज, जिंदगी का हर अमल महफूज। तुम्हारे शहर का नाम क्या, वेकफील्ड वाले ये ना कह सके कि पता नहीं हमारे नबी क्या करते थे, पता नहीं उनकी जिंदगी कैसी थी। इससे भी 10,000 साल ऊपर चले जाएं अगर दुनिया ने बाकी रहना है तो जैसे कुरान पे कोई हर्फ नहीं आ सकता ऐसी मेरे नबी की जिंदगी पर भी अल्लाह का साया है। सारी दुनिया के दज्जाल खटे हो जाए मेरे नबी की जिंदगी को बदल नहीं सकते। तो भाइयों नमूना मौजूद है, जिंदगी मौजूद है। मेरे नबी जब एक छोटी सी बात बता, मेरे नबी जब गमगीन होते थे, अच्छा भी ये गमगीन होना एक आदमी की फितरत में शामिल है, तो गमगीन होते थे तो आप क्या करते थे, अगर हमें यह मालूम ना हो तो कोई हलाल हराम का किस्सा तो नहीं, कोई हलाल हराम का किस्सा तो नहीं, कोई जायज नाजायज का किस्सा तो नहीं। लेकिन जिससे प्यार होता है उसकी हर अदा को महफूज रखा जाता है। अल्लाह ने अपने हबीब से प्यार किया उसकी हर शय महफूज कर। मेरे नबी जब गमगीन होते थे तो यूं बैठते दाढ़ी हाथ में
जब और को नहीं आ रखे थोड़ी देर के बाद यूं सर पे हाथ फेरते फिर ऐसे दाढ़ी पकड़ के बैठ जाते, ये मेरे नबी के गम की निशानी होती थी। जब आप खुश होते थे ये जगह पहले ही नूर था लेकिन यहां से ज्यादा रोशनी निकलना शुरू हो जाती, और जब आप किसी पे नाराज होते थे सुभान अल्लाह कुर्बान जाऊं, हाय हाय हाय, जरा अपने नबी की नाराजगी सुनना। आप अबू हुरैरा पे फर्ज करो नाराज हो गए तो अबू नाराजगी का इजहार कैसे होता था, तो उसको बेइज्जत कर रहे हैं, डांट रहे हैं, डपड़ रहे हैं। इधर से अबू हुरैरा मस्जिद में एंटर हुए और आपकी नजर पड़ गई और आप नाराज हैं, तो बस ये नाराजगी थी। बस अब मुंह इधर करके बैठ जाते ऐ नाराजगी। आप हजरत अनस पे नाराज हो गए, वो इधर से आए हैं, आपकी नजर पड़ी तो इससे आगे कुछ नहीं, और उस सहाबा को फौरन पता चल जाता था वो अल्लाह के नबी नाराज। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जिहाद पे जाने लगे, माँ ने रोका कि बेटा मैं बूढ़ी हूं मुझे छोड़ के क्यों जाता हूं, कि मैं तो जाऊंगा, कि मैं तुझे इस दूध का वास्ता देती हूँ जो तुझे पिलाया, ऐसे अपनी छाती की तरफ इशारा किया, मैं तो जाऊंगा। उन्होंने फौरन अल्लाह के नबी को पैगाम भेजा कि मैंने इसे दूध का वास्ता दिया और फिर ये मुझे छोड़ के जा रहा है। तो अबू हुरैरा हथियार सजा के आए कि मुझे शाबाश मिलेगी, आपने देखा तो यूं मुंह फेर लिया। वो परेशान हो गए, उनको अंदर की बात का तो पता नहीं था, अभी माँ ने पैगाम भेज दिया, वो तो बड़े खुश हो के एंटर हो गया। मेरा नबी कहेगा शाबाश भाई थापड़ा है तेन, वो आप ऐसे बैठ गए, इसे बैठने का मतलब था कि अब नाराज है, उनको तो अपने पड़ गई हथियार भूल गए। कहा रसूल अल्लाह अब नाराज हैं? कहा मैं नाराज हूं, क्या हुआ? कि तेरी माँ ने तुझे दूध का वास्ता दिया तू फिर हथियार उठा के आ गया, मुझे ऐसा जिहाद नहीं चाहिए जिसमें माँ का दिल दुखे, चल जा माँ की खिदमत कर, मुझे तेरे जिहाद की कोई जरूरत कोई। ये मेरे नबी का इजहार नाराजगी का इजहार हो रहा है। आए हाय सरापा रहम नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरदाने वाला, गरीबों का वाली गुलामों का मौला। आए हाय हाय, तो मेरे नबी की जिंदगी की हर शय महफूज है। आप मजलिस में चौकड़ी मार के बैठते थे, अत्तयात की शक्ल में नहीं बैठते, चौकड़ी मार, और कभी मजलिस में पांव नहीं फैलाए ऐसे, चाहे कितनी लंबी मजलिस होगी पांव लोगों की तरफ सीधा नहीं, कभी लोगों को इतना एहतराम दिया कि हमेशा बावकार होकर उनके सामने बैठे। और अपनी मजलिस में जब किसी को बुलाना होता वो दूर बैठे तो यूं इशारा नहीं करते थे उंगली का, बल्कि पूरे हाथ का इशारा करते, यूं आप जरा तशरीफ लें, यूं ऐसे नहीं करते थे कि ये, अगर जिसमें कोई तकब्बुर की बात नहीं लेकिन ये तकब्बुर से मिलती चीज है जिसको उर्दू में कहते हैं उंगली उठाना। तो मेरे नबी सारी जिंदगी इससे भी बचे, कभी किसी को ऐसे नहीं किया, बल्कि यूं करके पूरा हाथ का इशारा देकर यूं फरमाते, इशारे में भी इज्जत देते थे। बयान के दौरान कभी आपने मुक्के नहीं लहराए, कभी गुस्से के साथ अपने कोई एक्शन नहीं दिखाए, बल्कि एक हाथ में आपके लाठी होती थी और दूसरा हाथ ज्यादा यहां तक जाता था, बात करते करते यूं फरमाते। कभी मिंबर से किसी का नाम लेकर उसको बेइज्जत नहीं की, कभी किसी का मिंबर से नाम लेकर उसको बेइज्जत नहीं की। दौरान गुफ्तगू जब मजलिस में बैठे होते थे तो आपकी एक गैर इरादी हरकत थी, ये तो अब यहां तो वो ऐसे यूं हाथ होते थे, यूं बैठो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, यूं करते रहते थे। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिनका हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, हमारे हलाल हराम से कोई ताल्लुक नहीं, जन्नत और जहन्नम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये मोहब्बत की चीजें हैं। मेरे अल्लाह ने अपने हबीब से प्यार किया, उसकी हर शय महफूज करके रख, हमने अपने प्यो दादे की चीजें संभाल कर, ऐ मेरे प्यो की टोपी पई है, मेरे अब्बे की अशकन पई, ये मेरे अम्मा का दुपट्टा पड़ा हुआ है। तो मेरे अल्लाह ने अपने हबीब से प्यार किया, उनका मेरे हबीब तेरी हर अदा महफूज रखूंगा क्यामत तक,
किसी नबी की जिंदगी पर ऐसा साया नहीं, किसी नबी का नसब महफूज नहीं। वाहिद हमारे नबी का नसब आदम अलैहिस्सलाम तक महफूज है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमीसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन खम्बाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आफी बिन अबकर بن عبيد بن الدعاب بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحر بن زارب بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهليل بن قنان بن آنوش بن شيس وبن آدم कोई जिंदगी का ऐसा गोशा नहीं जिस पर अल्लाह की रोशनी ना पड़ी हो। तो ये सारी भलाइयों का रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप पराए देश में हो, अगर अपनी इस विरासत को संभालोगे नहीं तो अगली अभी आपके जिनके पास पासपोर्ट है उनके लिए इंग्लैंड अब पराया देश नहीं, उनके लिए ये मुल्क है उनका। अब उनका मुल्क पाकिस्तान नहीं है, अब उनका मुल्क इंडिया नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट है वो यहाँ के शहरी हैं, उनकी नस्लें यहाँ के रहने वाले हैं। अगर आपने इस विरासत की हिफाजत न की तो ये हाथों से चीज़ निकल जाएगी। मैं जनूबी अमेरिका के मैंने सफ़र किए हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की नस्ल इस्लाम छोड़ के ख़त्म हो गए, ज़ीरो हो गए। किसी ने उनको इस्लाम छोड़ने की दावत नहीं दी, उनके माँ बाप ने उनको बताया नहीं था कि हम कौन। अमेरिका में हमारी एक जमात थी, मस्जिद में 2 नौजवान पहुँच गए, कहा जी हमारा बाप रात मरा है, उसने हमें रात को बताया कि मैं मुसलमान हूँ, तो मेरा मरने का किसी मुसलमान से निज़ाम करवाना। आज तक उसने हमें बताया ही नहीं था कि अरब था, आज तक उसने हमें बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। तो मेरे भाइयों, आपका बहुत बड़ा तबका यहाँ आबाद हो चुका है और अल्लाह ने आपको रिस्क दिया, आपके बुजुर्ग या आप खुद यहाँ मजदूरियाँ करने आए, अल्लाह ने आपको रिस्क दिए, कारोबार दिए, आपको इज्जत दी, यहाँ आपको बड़े घर दिए, गाड़ियाँ दी, पैसा दिया। हमने आपको इसलिए नहीं जमा किया कि आखिर में आपसे कुछ चंदा मांगें और आपके लिए कोई आपसे कोई डोनेशन का मुतालबा करें। हम आपसे मुतालबा जरूर करेंगे, वो ये करेंगे कि अपने दीन की हिफाजत करो, अपने दीन की हिफाजत करो, अपने घर का माहौल ईमानी बनाओ। और घर का माहौल ईमानी बनता है अच्छे अखलाक के साथ। इबादात का उसमें हिस्सा है नमाज, जिक्र, तिलावत हो, क्योंकि वो तो फाउंडेशन है, फाउंडेशन हो तो ऊपर बिल्डिंग नहीं बन सकती। लेकिन जो घर इस्लामी माशरत का रंग पेश करेगा वो अखलाक से पेश करेगा, वो बर्दाश्त से पेश करेगा। मैनचेस्टर में मैं बयान करने जा रहा था तो मेरी गाड़ी जो चला रहा था वो मैनचेस्टर का साथी था, पाकिस्तानी। मैंने पूछा आप क्या करते हैं, कि मैं लॉयर हूँ। तो मैंने उससे सवाल किया कि हमारे जो यहाँ मुसलमान हैं इनके कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा झगड़े किस चीज़ के हैं। तो उसने कहा जी सबसे ज़्यादा झगड़े तलाक के, मियाँ बीवी में नहीं बन रही। कभी लड़के के माँ बाप बीच में तबाही फैला रहे हैं, कभी लड़की के माँ बाप बीच में आ रहे हैं, कभी लड़का लड़की खुद आपस में लड़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मसाइल तलाक के हैं। ये किस लिए हैं कि हमने अपनी नस्ल को इस्लामी अखलाक नहीं सिखाए। हमने समझा कुरान पढ़ा दिया मुसलमान हो गया, और सुबह से लेकर शाम तक जॉब शॉप जॉब शॉप जॉब शॉप, और घर में आकर भी बेगाने हैं, बच्चे के पास भी मोबाइल है, बच्ची के पास भी मोबाइल है, कोई लैपटॉप पे बैठा है, कोई मोबाइल पे बैठा है, कोई टीवी पे बैठा हुआ है। घर में रहकर भी हम एक दूसरे से बेगाना है, एक दूसरे से ना आशना है। इस मोबाइल ने लैपटॉप ने हमारा अंदर का ताल्लुक तोड़ के रख दिया है, मोहब्बतें ख़त्म कर दी हैं, ताल्लुक ख़त्म कर दिया है, हर एक अपनी दुनिया में गुम बैठा हुआ है। और ये रोजाना मैं सफर कर रहा हूँ तो रोजाना मैं तमाशा देखता हूँ, हम 4 आदमी हैं, चारों फोन से लगे होते हैं, वो अपनी गल करता पे, वो अपनी करता पे, वो अपनी करता पे है, वो लगता है जिवें कोई मछली बाजार है, मछली विकदी पे। तो आपस के ताल्लुक को
तोड़ के रख दिया है इन चीजों ने, जिससे अखलाक कमजोर हो गए, किरदार कमजोर हो गया, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त कोई नहीं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत कोई नहीं है। तो चंद चीजों पर थोड़ा सा अगर आप फोकस कर लें तो आपकी अगली नस्ल भी खूबसूरत इस्लाम की मालिक बन सकती है और आपको और हमारा इस्लाम भी खूबसूरत हो सकता है। एक फराइज में कोताही ना हो, नमाज में कोताही ना हो, और अल्लाह ने आपको रिस्क दिया है, यहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान भी चंदे ना भेजो, यहाँ बहुत गरीब लोग हैं उन पर खर्च करो, यहाँ अपनी नस्लों के लिए स्कूल बनो। आपके पास अपने स्कूल कोई नहीं, आपके पास अपने इदारे कोई नहीं जिसमें आप अपनी अपना कल्चर देकर उन्हें आप डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लॉयर बनाओ, साइंसदान बनाओ, पायलट बनाओ, ताजर बनाओ, जो मर्जी बने दुनिया के लिहाज से, लेकिन अपने कल्चर में बने। आपके आप लोगों के पास इतने असबाब अब हैं कि अगर आप अपने स्कूल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अब मस्जिदें बड़ी बड़ी बनाओ, मस्जिदों पर लड़ाइयाँ ना करो। इलेक्शन के शौक मस्जिद की कम्युनिटियों पर पूरे कर रहे होते, कमेटियों के इलेक्शन हो रहे हैं, दसो भाई वो जड़ा क्योड़ा उठा यहीं था कि नहीं मरिया, किसी ने के पास इलेक्शन जरूर करना पावे, मस्जिद की कमेटी से करना पावे। तो ये इलेक्शन बाजी से बचो, अहल लोगों को मस्जिद की जिम्मेदारी दो, मस्जिदें आप अल्लाह से मांग कर बड़ी बड़ी बनाओ, हर मस्जिद के साथ वो कम्युनिटी सेंटर बनाओ, कोई छोटा सा मकतब बनाओ जिसमें तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ें, अपने मस्जिद के उलमा को अच्छी तनख्वाहें दो। तुम्हारे अपने इंग्लैंड में अब हजारों बच्चे आलिम बन चुके हैं, लेकिन वो मस्जिद में मुसल्ले पे क्यों नहीं खड़े होते कि आप लोग लाते हो पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से या बंगाल से, नौकर बना के लाते हो, इमाम बना के नहीं लाते हो, हजार पाउंड उसको तनख्वाह देते हो, उन तक खाक पवे तो दवाई नहीं ले सके, इतनी थोड़ी तनख्वाह देते हो और इतना जिल्लत का मामला करते हो, तो यहाँ की नस्ल कैसे बर्दाश्त करेगी? अगर आप ये चाहते हो कि आपकी नस्ल मस्जिद से जुड़े तो यहाँ के उलमा रखो, पाकिस्तान से उलमा मत बुलाओ, वो तो फिरका वारियत का शिकार है, जो आएगा कोई ना कोई ऐसी फिरका वारियत की आग लगाएगा, तुम्हें आपस में लड़ा के बिठा देगा और तुम्हें फिरकों में तकसीम कर देगा, तुम्हें देवबंदी बरेलवी में तकसीम कर देगा, वहां भी सुनने में तकसीम कर देगा, तबाह कर देगा। जैसे जाओ मेरे अपने देश को देखो कैसे तबाह हुआ पड़ा, कैसे हजारों लोग बेगुनाह कत्ल हो गया, ना मरने वाले को पता है क्यों मर रहा हूँ, ना मारने वाले को कमबख्त को पता है कि मैं क्यों मार रहा हूँ, और उसके पीछे वो नफरत की आग है जो मिंबर से भड़काई गई और उसने मेरे चारों सूबों को लपेट में ले लिया है। और हम वो हैं जो अपने घर को जलता देखते हैं, न फरियाद कर सकते हैं, न आह कर सकते हैं, बेबस तमाशाई की तरह खामोश आंसुओं से रो सकते हैं, साज खामोश हैं, फरियाद से मामूर हैं हम, कि जिन लोगों ने आग लगाई थी अब वो भी बुझाने के काबिल नहीं रहे हैं। तो यहाँ के नौजवान उलमा अपनी मस्जिदों में रखो, उनको इज्जत दो जैसे आप और जॉब को इज्जत दे, तुम्हारी मस्जिद का आबाद करने वाला है, लेकिन हर नमाजी उसकी बेइज्जती कर रहा हो। मैं पिछले 32 साल से इंग्लैंड आ रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कोई अन्ना, मैंने पता कोई नहीं थोड़ा, तो उनको आप इज्जत दो तो वो तुम्हारी नस्ल पर मेहनत करेंगे। जो पाकिस्तान से आता है, जो बांग्लादेश से आता है, जो इंडिया से आता है, उसको तो पहले इन बच्चों से बात कैसे कर, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं, इंग्लिश अच्छी हो तो उनको बच्चों की नफ्सियात का नहीं पता कि इनसे बात कैसे कर लें, इनको करीब कैसे कर लें। वो तो वहां का कल्चर लेकर आया, वहां की जुबान लेकर आया है, वो यहाँ के बच्चों को कभी भी दीन नहीं समझा सका, और यहाँ के बच्चे अल्लाह के फजल से बहुत पैदा हो चुके हैं, लेकिन आप उनको वो इज्जत देने के लिए तैयार नहीं हो, आपकी मस्जिद में खड़े होने के लिए तैयार नहीं। मैं नॉर्वे गया तो एक बच्चा यहाँ इंग्लैंड से पढ़ के गया था, तो सारे वो कमेटी वाले इकट्ठे हो गए, कहा देखो जी ये कैसा इमाम है, हमारे ये कारोबार भी करता है और इधर मुसल्ले पे आता है, हमें ऐसा इमाम नहीं चाहिए। तो मैं पता कर लेता हूँ। मैंने उससे पूछा, बेटा क्यों आप ये आपके नमाजी और कमेटी वाले कह रहे हैं कि ये मौलिक कैसा है जो कारोबार करता है? कहा जी इनसे कहो मेरी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दें तो मैं कारोबार नहीं करता। अभी कहते रोटी भी नहीं खाते, नमाज भी पढ़ा, एक मुझे तनख्वाह इतनी थोड़ी देते हैं कि मैं अपना चूल्हा नहीं जला सकता, तो फिर मैं क्या करूं, चोरी करूं? तो मुझे कोई कारोबार तो साथ करना है कि मैं अपने घर का खर्चा तो चला सकूं, इसलिए मैं कारोबार करता हूं। ये मुझे तनख्वाह अच्छी दे, मैं नहीं करता कारोबार, सारा दिन मस्जिद में हाजिरी देता हूं। तो भाइयों ये बहुत बड़े मसाइल हैं, शायद आज आपको ना पता चले, लेकिन कुछ अरसे के बाद एक बहुत बड़ी भयानक खौफनाक शक्ल में आपके सामने आएंगे, ये जो मैंने जनूबी अमरीका में देखा है।
अल्लाह ना करे ऐसा हो, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ, उनके पास वहां ज्यादा अरब है, हमारे पाकिस्तानी कोई नहीं है, उनके पास इतनी दौलत है कि आप सबको एक आदमी जेब में डाल, पानामा का एक लुबनानी ताजर, अल्लाह की कसम आप सबको जेब में डाल, तो उन्हें पता ही लगे गया कि दे इतनी दौलत है, लेकिन उनकी नस्ल उनके हाथों से गुम हो चुकी, उन्हें माल तो बना लिया है लेकिन उन्होंने मस्जिदें ना बनाई, मदरसे ना बनाए, स्कूल ना बनाए, नस्ल खत्म हो गई। तो एक इस्लामी अखलाक जिंदा करो, आपस में लड़े हुए ना हो, आपस में नफरत ना हो, आपस में फिरकों में बटके ना रहो, मुसलमान अल्लाह का वास्ता देता हूं उसके नबी का, उम्मत बन के रहो और मुस्लिम बन के रहो। जो अपने घरों की मुआशरत ईमानी बनाना है तो घरों को टाइम दो, औलाद से प्यार करो, डांट डपट ना करो, प्यार करो, मोहब्बत दो, मोहब्बत के अंदर लिपटी जो बात करोगे उनके अंदर उतर जाएगी, डांट डपट तंबी, ऐ क्यों कीता, ऐ क्यों कीता, तो रद्द अमल होगा। मेरे नबी ने कैसी नस्ल को रजी अल्लाह अन्हु बना दिया कि जिनके लिए मार देना, मर जाना इज्जत। बनु असद बनु उमैया परताना कर रहे हैं, बनु असद एक कबीला, बनु उमैया बड़ा मशहूर कबीला, बनु असद इतना मशहूर नहीं, बनु असद का एक नौजवान बनु उमैया पर वो उनके ताना दे रहा कि ये भी कोई कौम है, इनका एक आदमी आज तक मैदान जंग में नहीं मरा, सारे बिस्तर पर मरे हैं, ये ऐसी ये नफ्सियाती उस कौम की कि उनके लिए ऐब था बिस्तर पे मरना। और उनके एक अरब शायर का आपको शेर सुनाता हूं, या रब ला तजअल हयाती मज़ल्लतन वला मौतती बैनन निसा इन नवाहि वलाकिन क़तीलन यदरजु अत्तैर हौलहु वतशरबु ग़िरबानुल फला मिन जवानिहि। ऐ मेरे रब, एक मेरी जिंदगी को, मेरी जिंदगी में मुझे जिल्लत ना दिखाना, और एक मेरी मौत बिस्तर पे ना आए, मेरी मौत मैदान जंग में आए और कव्वे मेरी रगों से मेरा खून पी रहे हों और सहरा के जानवर मेरी बूटियां खा रहे हों, मुझे ऐसी मौत चाहिए। इस खूनखार कौम को रजी अल्लाह अन्हु बना दी, ये अल्लाह राजी हो गया। प्यार और मोहब्बत से आपने सबके दिल जीत लिए, आप सब भाइयों से गुजारिश है, अब सब बासरवत लोग हो, असबाब वाले लोग हो, अपनी अगली नस्ल के लिए सोचो, स्कूल कैसे बनाने हैं, अच्छी मस्जिदें कैसी बनाएं, मस्जिदों में अच्छे उलमा कैसे लाएं, यहाँ के उलमा कैसे लाएं, उलमा को इज्जत कैसे देनी है, उनको और अपनी नस्ल का जोड़ कैसे बिठाना है, आपस में प्यार मोहब्बत से कैसे रहना है, यहाँ की नस्ल में तोड़ पैदा हो रहा है, तलाकों पे तलाकें, तलाकों पे तलाकें हो रही, इसको मोहब्बत में कैसे बदलना है, ये सारे प्रोग्राम हैं जिसके लिए आपको वक्त देना आपकी जरूरत है। जैसे जॉब शॉप के लिए वक्त है, ऐसे ही इन चीजों के लिए मैं आपको हर जगह, मैं एक ही बयान कर रहा हूँ, कोई नए फलसफे नहीं बयान कर रहा, हर जगह एक चीज को दोहरा रहा हूँ, भाइयो भाइयो भाइयो, अल्लाह रसूल से दोस्ती कर लो और अपनी नस्ल को ये दौलत दे के जाओ तो तुम्हारी दुनिया भी महफूज, तुम्हारी आखरत भी महफूज। इसके लिए तुम्हारे पास मस्जिदें हों, तुम्हारे पास स्कूल हों, तुम्हारे पास अपनी तरतीब और ये तबलीग का काम हो, बड़ों छोटों के लिए अगर आप सब थोड़ा थोड़ा वक्त इसमें लगाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क की फिजा बदल जाएगी, फिरका वारियत भी ख़त्म होगी, अपनी मस्जिदों को खोल दो तबलीग के लिए तो इंशाल्लाह आपकी नस्लों की हिफाजत का एक बहुत बड़ा खूबसूरत काम अल्लाह ने दिया है, इसके ज़रिए से लोगों में तब्दीली आ रही, तो कोई दिल में आ गया तो इरादे भी दिखा दो, अपने नाम भी बता दो। जी बताएं जी, माशाल्लाह कौन कौन, अभी थोड़ा सा टाइम है इसलिए कि थोड़ा सा दो तीन दिन की एक जमात, वीकेंड की जमात बन जाए, कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में लोग चले जाएं, एक जमात बन जाए चाहे इसमें से, तो वो फरमा दे कौन भाई हिम्मत करेगा जी के यहाँ से, जो इतनी बात सुनी है माशाल्लाह, तो एक जमात बताएं जी इस वीकेंड से। क्या नाम है जी? शबीर भाई। शबीर साहब बिस्मिल्लाह। और बताएं जी? उस्मान। हम ज्यादा लंबी जमात नहीं मारे, तीन दिन का मुताबला कर रहे हैं इस वीकेंड से, तीन दिन। जी सारे जहान का पालने वाला हूँ, मुसलमान हो और शराब बेचे कोई गल जुड़ती नहीं, एक गैर मुस्लिम शराब बेचे वो कहता मैं रोटी की थूका, लेकिन हमारा तो पहला लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पालने वाला अल्लाह है, मैं ये कैसे कहूँ कि मैं रोटी की थूक खाऊँ,
मेरा रिस्क तो मेरे अल्लाह के जिम्मे है, मैं हराम कभी नहीं बेचूंगा, हराम कभी नहीं खाऊंगा। बेशक हराम पैसा ज्यादा है और हलाल थोड़ा है, हमेशा ये बात पक्की है, हलाल थोड़ा रहेगा हराम ज्यादा रहेगा, अल्लाह का इम्तिहान है। लेकिन जो बरकत हलाल में हराम में कभी नहीं होगी। 1972 की बात है, हमारी जमात गई थी चीचावतनी, तो एक बुजुर्ग थे मौलाना अब्दुल अजीज साहब, उनके पास हम बैठे हुए थे, तो दो बंदे आए, तो एक की तो शक्ल याद नहीं, एक की शक्ल भी याद है, एक्शन भी याद है, चूंकि वो ऐसा अजीब सा था कि मेरे नक्श हो गया। वो कहने लगा, हजरत जी, दुआ, छोटी छोटी दाढ़ी, टोपी पाई हुई, हमें भूरे रंग की टोपी पहनी हुई और भूरे रंग का जोड़ा पहना हुआ, हजरत जी दुआ करो अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल दे देते, बहुत आगे हो गया। तो वो एक्शन ऐसा था कि एकदम मेरे वो फिट हो गया, उसके कपड़े, उसकी टोपी, हर शायद एनक भी लगाई थी, अल्लाह रिज़्क़ हलाल देवे, बहुत आसारा। तो उन्होंने बड़े पोले से मुंह से कहा, हलाल तो थोड़ा ही लब्बू। ये दो जुमले में मौत तक नहीं भूल सकता, उनका हलाल तो थोड़ा ही लब्बू। तो भाई थोड़ा ले लो, पर हराम कारोबार ना करो, हराम कमाइया ना करो। रब्बुल आलमीन को माना है तो उसके रब होने पर यकीन करके अपनी कमाइयों, सिर्फ शराब नहीं, हर किस्म का हराम निकालो और आहिस्ता आहिस्ता करो। चलो एकदम नहीं होता, एक सेंटीमीटर पीछे आ जाओ, मैं एक मीटर भी नहीं कह, एक सेंटीमीटर पीछे आ जाओ, अगले दिन एक और, अगले दिन एक और, अगले दिन एक और, तो अल्लाह के फजल करम से एक दिन आप सारे निकल जाओगे। लेकिन नीयत करो, इरादे करो कि अपने खुद भी हलाल खाना है, बच्चों को भी हलाल खाना है। अगर पैसा ज्यादा है तो ज़कात अदा करो, यहीं ढूंढो, बहुत लोग ज़कात के हकदार, जिनके पेपर मुकम्मल नहीं, जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो, सब बेचारे ज़कात के हकदार हैं। और अल्लाह ताला रिस्क दे तो आपस में मिल के जुड़ के बैठ के अपने स्कूल सोचो, अपने बच्चों की आला तालीम के लिए सोचो, और आपस में अगर कोई लड़ा हुआ है तो सुलह कर लो। ख़ास तौर पर बीवी से लड़ाई है तो फौरी सुलह करो, कि ये वाहिद लड़ाई है जिस पे शैतान खुश होता है, अल्लाह नाराज़ होता है। और मियां खामिंद बीवी की मोहब्बत वाहिद मोहब्बत है मखलूक की, जिस पे अल्लाह राज़ी होता है और शैतान नाराज़ होता है, इसलिए कि ये दोनों की लड़ाई नस्ल घर ख़ानदान बर्बाद कर देती है। और घरों की मोहब्बत अदा करने का रास्ता है इस ज़बान की हिफाजत, कि थोड़ा सा ज़बान को काबू में रखो तो इंशाअल्लाह सारे घर में प्यार और मोहब्बत बाकी रहेगी। ये चंद एक चीज़ों की मैं हर जगह कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, और ये बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। जो हमारे भाई नईम ने कहा, हर महीने 3 दिन आप लगा लिया करें तो इंशाल्लाह ड्यूज़बरी मरकज़ आपके करीब है, जुमरात को वहाँ जाया करें, महीने में 3 दिन लगा लें तो इंशाल्लाह आप में प्यार मोहब्बत सब कुछ जिंदा हो जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु व सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु व फ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक्वा व अहलुल मग़फिरा। اللهم إنا نسألك يا الله خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا الله من شر كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على النبي الكريم. मेरे भाई और दोस्तों, इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है और मिट्टी में एक खासियत है, इसमें गंदी झाड़ियां खुद पैदा होती हैं, कोई उनको उगाना नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी फसल को उगाना पड़ता है, काश करना पड़ता है। कहीं आपको सेब का जंगल नहीं नजर आएगा, आम का जंगल नहीं नजर आएगा, कहीं आपको स्ट्रॉबेरी का जंगल नजर नहीं आएगा,
जहां भी आपको ये पौधे नजर आएंगे, ये दरख्त नजर आएंगे, किसी इंसान के हाथ के लगे हुए होंगे। लेकिन कीकर, कांटेदार दरख्त, बेफल के दरख्त और बेलें, झाड़ियां, इनको कोई नहीं उगाता, ये खुद पैदा होती। हमारा मुल्क तो चूंकि ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चर है, और फिर ताल्लुक भी उसी फैमिली से है, तो अपने बचपन से देख रहे हैं कि खुदरो झाड़ियां सब मुज़र, गंदी, अच्छी फसल को खा जाने वाली होती, और कपास और चावल को, गंदम को, मक्की को काश करने के लिए जोर लगता है। फिर हमारा, मेरा जिला मुल्तान है, तो वो आमों के लिए बड़ा मशहूर है, तो एक पौधे को परवान चढ़ाने के लिए उम्र गुजर जाती है। यही सिफत इंसान के अंदर भी है। अल्लाह ने एक आयत में इशारा किया है, फअल्हमहा फुजूरहा वतक्वा। मेरे बंदे, चूंकि मैंने तुम्हें इम्तिहान के लिए पैदा किया है, तो तुम्हारे अंदर दो तार लगा दिए हैं, बुराई का भी, अच्छाई का, गलत का भी, ठीक का भी। जितने इंसान के अलावा मखलूक है, उनके अंदर गलत कनेक्शन है ही नहीं, ठीक कनेक्शन। उनका हर अमल परफेक्ट होता है, कभी कभी हजारों, लाखों, करोड़ों साल से आप देख रहे हैं, कभी सेब के ऊपर आम नहीं उगेगा कि वो माजरत करे, ये मैंने तो याद नहीं रहा थे, आम की बजाय सेब निकला है। कोई जानदार नहीं, भैंस के थनों से पानी नहीं निकलेगा, दूध ही निकलेगा, बकरी के थनों से दूध निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा, शहद नहीं निकले, शहद की मक्खी दूध नहीं बनाएगी, सांप के अंदर जहर ही बनेगा, कोई और चीज नहीं बनेगी। इंसान के अलावा जितनी मखलूक है, उनका इल्म, उनका मेथड खता से पाक। इंसान फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, तेरे अंदर बुराई भी भर दी है और तेरे अंदर अच्छाई भी भर दी है। तो इसमें बुराई का जिक्र पहले है, अल्हमहा फुजूरहा, और अच्छाई का जिक्र बाद में है, व तक्वाहा। इसमें इस कानून की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया है कि तुम्हें मिट्टी से बनाया गया है, और मिट्टी में कांटे खुद पैदा होते हैं, जहरीली गंदी जड़ी बूटियां खुद पैदा होती हैं, और आम, किन्नू, माल्टा, सेब, संतरा, टमाटर की फसल को काश्त किया जाता है, तब जाकर वो पैदा होती है। फिर पैदा होने के बाद भी उसकी हिफाजत का निजाम बनाया जाता है, तब जाकर वो परवान चढ़ती है। तो इंसान के अंदर हसद और बुग़्ज़ और लालच और हिर्स और तमा, ये गंदी झाड़ियां हैं जो अपने आप पैदा होती हैं। लालच को सिखाने के लिए कोई टीचिंग सेंटर कोई नहीं है, झूठ को सिखाने के लिए कोई टीचिंग सेंटर नहीं है, तकब्बुर को, गुस्से को न माँ बाप सिखाते हैं, न स्कूल सिखाता है। ये जितनी गलत चीजें हैं, ये अपने आप पैदा होती हैं। इसके मुकाबले में ईसार को सिखाना पड़ता है, सखावत को सिखाना पड़ता है, नफरत अपने आप पैदा होती है, मोहब्बत सीखना पड़ता है, जहालत अपने आप है, इल्म को सीखना पड़ता है, नफरत अपने आप है, और हमदर्दी को सीखना पड़ता है, दुनिया का लालच और हिर्स और हवस अपने आप है, और ईसार तवक्कुल सीखना पड़ता है। ये अल्लाह ताला ने अल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा में ये हमें एक मैसेज दिया है कि चूंकि तुम इम्तिहान की जगह पर हो, लिहाजा बुराई भी है, अच्छाई भी है, अच्छाई को मेहनत से लाना पड़ेगा, बुराई को मेहनत से दबाना पड़ेगा, वरना ये अपने आप ये चीजें पैदा होती हैं, अज खुद ये वजूद में आती हैं। इनको कैसे
काबू करना है और अच्छाइयों को कैसे वजूद में लाना है, ये इल्म इंसान के पास कोई ना था। यहाँ वो जाहिल था, ये इल्म लेकर अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए। आसमान से अल्लाह ने ये इल्म उतारा और उस इल्म को मुकम्मल किया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर आकर वो इल्म मुकम्मल हुआ। وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ انسان کی عزت اور فضیلت اس کے علم کی وجہ سے ہے۔ آدم کے آگے فرشتوں کو جھکایا آدم کے علم کی وجہ سے۔ فرشتوں سے پوچھا ان کے نام کیا، کہا جی پتہ نہیں۔ آدم تو بتا ان کے نام کیا، انہوں نے سارے بتا دیا۔ کہا اب اس کو سجدہ کرو کہ دیکھو اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان دنیا میں پیدا ماں کے پیٹ سے آتا ہے، لا تعلمون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے اور وہ بالکل جاہل ہوتا ہے، بالکل جاہل ہوتا ہے۔ پھر اس کو، اس کے سامنے بازار میں دو منڈیاں ہوتی ہیں، ایک اچھائی کا بازار ہے، ایک برائی کا بازار ہے۔ ایک میں سچ کا سودا بکتا ہے، ایک میں جھوٹ کا سودا بکتا ہے۔ ایک طرف کفر اور شرک کے اندھیرے ہیں، ایک طرف ایمان توحید کا نور اور روشنی ہے۔ تو ان برائیوں میں نکلنے کے لیے انسان کے پاس نہ ذات علم ہے، نہ رہبری ہے، نہ رہنمائی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے اس خلا کو پورا کرتا ہے، اور نبیوں نے آ کر سب سے پہلا جو پودا لگایا، سب سے پہلا جو باغ لگایا، وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ ساری بھلائیوں کی جڑ لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ ساری معلومات سے پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے۔ فعلم، جانو۔ کیا فعلم؟ ڈاکٹر بننے سے پہلے فعلم، انجینئر بننے سے پہلے فعلم، لائر بننے سے پہلے فعلم، روٹی سے پہلے فعلم، پانی سے پہلے فعلم، شادی سے پہلے فعلم، کاروبار سے پہلے فعلم، علاج سے پہلے فعلم، گھر بنانے سے پہلے فعلم، سودا کرنے سے پہلے فعلم، بیچنے سے پہلے، خریدنے سے پہلے فعلم، فعلم۔ یہ میں یہ ساری باتیں کہاں سے لایا ہوں؟ لفظ فا سے، فا۔ یہ یعنی ہے میں کوئی اپنی خطابت نہیں جگا رہا، لفظ فا جو قرآن عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ ہماری اردو میں فا کا کوئی مطلب، فارسی میں فا کا کوئی مطلب، انگریزی میں ایف فا کا مطلب دیتا ہے، کوئی مطلب کوئی۔ لیکن عربی میں حرف کا بھی مطلب ہے، حروف کے بھی مطلب ہے۔ اور ڈکشنری ہے عربی کی 17 جلدوں میں، جو ابن منظور رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، تو اس کے مقدمے لکھتے ہیں کہ یہ تو میں نے الفاظ کی شرح کے لیے 17 جلدیں لکھی ہیں۔ 17 تو میں کہہ رہا ہوں، 17 جلدیں۔ کہ اگر میں الف با تا تھا جیم ہا خا ان حرفوں پر میں لکھوں تو 17 جلدیں اور تیار ہو سکتی، کہ یہ واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں واؤ کا کوئی مطلب کوئی نہیں۔ ابھی میرے ذہن میں اس وقت واؤ کے 8 مطلب ہیں۔ واؤ جو قرآن، جو عربی میں واؤ ہے، اس کے 8 مطلب ہیں، 8۔ اور اردو میں واؤ لے آؤ تو اگلے اور پچھلے کو جوڑنے کے لیے مطلب ہی کوئی نہیں اس کا۔ تو یہ واحد زبان ہے جس کے حروف کے بھی اللہ نے مطلب رکھے ہیں۔ تو یہ جو میں نے کہا اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، آپ کو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ فا میں لکھا ہوا ہے، فا، کیونکہ یہ وہ زبان ہے جو اپنے حرفوں میں بھی مطالب بیان کرتی ہے۔ پھر اس میں حرف 2 طرح کے ہیں، ایک جن کے اوپر نقطہ ہے، با تا تھا جیم خا زال زا شین زاد زا غین فے قاف نون۔ ایک ہیں جن پر نقطہ کوئی نہیں، الف ح دال را سین صاد تا لام میم واو، ان پر نقطہ کوئی نہیں، ہا ان پر نقطہ کوئی نہیں۔ تو نقطے والا حرف کمزور ہے اور بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہے۔ اس کی ایک وجہ، بہت سی وجہ میں سے ایک وجہ، کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج ہے۔ با اپنا مطلب بتانے کو تیار ہے لیکن کہتی میرے اوپر نقطہ لگاؤ پھر مطلب بتا سکوں گی، ویسے نہیں۔
अलिफ कहता है मैं अभी दस देवना मैंने नुकते दी लोड़ी कोई नहीं। ये एक छोटा सा फर्क बताए और ऐसे बहुत से इल्मी फर्क हैं कि नुकते वाले हर्फ कमजोर हैं, बगैर नुकते वाले ताकतवर हैं। जब अल्लाह ने अपना नाम मुंतखब किया तो अल्लाह कोई नुकते वाला हर्फ नहीं लाया, और जब अल्लाह ने अपने नबी का नाम चुना तो मोहम्मद कोई नुकते वाला हर्फ नहीं लाया, और दूसरा नाम रखा कुरान में अहमद तो कोई नुकते वाला हर्फ नहीं लाया, और जब कलमा बनाया पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह उसमें कोई हर्फ नुकते वाला नहीं, जब दूसरा जुज बनाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसमें कोई हर्फ नुकते वाला नहीं, फिर लफ्ज अल्लाह चार हर्फ हैं और लफ्ज मोहम्मद चार हर्फ हैं और लफ्ज अहमद चार हर्फ हैं। अल्लाह ने इतना बराबर करके अपने और अपने हबीब को अपने साथ खड़ा किया कि अल्लाह बगैर नुक्ते, मोहम्मद अहमद बगैर नुक्ता, अल्लाह चार हर्फ, मोहम्मद अहमद चार हर्फ, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह एक हिस्सा, ये बारह हर्फ है, बारह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये भी बारह हर्फ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी बारह हर्फ हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी बारह हर्फ हैं। यूं तूल के अल्लाह ताला ने हमें कलमा दिया कि सारी कामयाबियों का सिरा अल्लाह के हाथ में है, सारी इज्जतों का सिरा अल्लाह के हाथ में है, सारी बुलंदियों का सिरा अल्लाह के हाथ में है, सारे खजानों की चाबियां अल्लाह के हाथ में है, सारी सारी दुनिया और आखरत की शहनशाहियां अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, जमीन और आसमान की ताकत और जमीन और आसमान की चाबियां अल्लाह तबारक व तआला के कब्जे कुदरत में है, और उन तक पहुंचने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सारे खजाने अल्लाह के हाथ में, दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारी कामयाबियां अल्लाह के हाथ में, उनके सिरे तक पहुंचने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारी मोहब्बतें अल्लाह के कब्जे कुदरत में, उन मोहब्बतों को पाने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारी जहन्नम की आग अल्लाह ने भड़काई उस आग को बुझाने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारी जन्नत को अल्लाह ने नेमतों से नवाजा जगमगाया, मेरे नबी का फरमान है जन्नत की लड़की अपनी उंगली का इतने फिंगर टिप, सिर्फ ये फिंगर टिप सूरज को दिखा दे तो जात की कसम जिससे कज़मे मेरी जान है इस फिंगर टिप के सामने सूरज नजर नहीं आएगा। हाँ, जिसकी फिंगर टिप इतनी खूबसूरत है उसका चेहरा कैसा होगा। मालिक बिन दीनार कहने लगे एक नौजवान से तुम्हें जन्नत की हूर का शौक है? कहने लगा नहीं। आपने कहा शौक रख कि उनके चेहरे का नूर अल्लाह के नूर में से है। फैन्ना नूर वजहिन्ना मिन नूरिल्लाह तआला। उस सारे जन्नत के खजाने अल्लाह के हाथ में और उन तक पहुंचने का रास्ता मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी दुनिया की इज्जतें अल्लाह के हाथ में, उन तक पहुंचने का रास्ता जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी जिल्लतों से बचाने वाले अल्लाह ताला हैं और उनसे बचाने का वसीला बनने वाली जात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो फा फा फालम फा रोटी से पहले फा, पानी से पहले फा, जॉब से पहले फा, ब्रिटिश पासपोर्ट से पहले फा, शादी से पहले फा, इलाज से पहले फा, घर खरीदने से पहले फा, कारोबार करने से पहले फा, कपड़ा बनाने बेचने से पहले फा, फा फालम, फिर ऊपर का फालम, मेरे बंदे मेरे बंदो जहां मर्जी रहो फालम, सबसे पहले जानना ढूंढना किसको, ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले अल्लाह को जानना, सबसे पहले ये जानना कि एक है, एक है वो वल्लजी फिस्समाए इलाहुन वफिल अर्द इलाह, सबसे पहले ये जानना कि जमीन आसमान का अकेला मालिक अकेला अल्लाह, सबसे पहले जानना अहक मन ज़कर, कोई याद के काबिल नहीं सिवाय अल्लाह के, अहक मन उबिद, कोई बंदगी के काबिल नहीं सिवाय अल्लाह के, अहक मन ज़कर, किसी का किसी को दिल दिमाग में जगह देने की गुंजाइश नहीं सिवाय अल्लाह के, अंसर मन तुखी, कोई मदद के काबिल नहीं सिवाय अल्लाह के, अर अफ अम मलक, कोई मेहरबान नहीं सिवाय अल्लाह के,
वह अजोदमन सुइल, कोई सखी नहीं सिवाय, ये मैं जो अरबी के अल्फाज दोहरा रहा हूँ ये मेरे नबी की बात है, मतलब मैं अपनी अरबी पढ़ के तर्जमा नहीं कर रहा, जो ये मेरे नबी ने अल्लाह की तारीफ की। अल्लाह तू कैसा है, हमें अपने सौदा बेचना तो आता है, एक दुकानदार अपने सौदे की तारीफ में घंटा बात कर सकता, लेकिन यार तुम्हारा अल्लाह कौन है, कोई अपने अल्लाह का पता तो बताओ, तो सब गूंगे बन जाएंगे, सब गूंगे बन जाएंगे। तो मेरा मेरे नबी के इस कायनात पर एहसान है, सबसे बड़ा एहसान को उन्होंने अल्लाह का पता बताया और अल्लाह का सही पता बताया, और फिर एहसान है सहाबा का और हमसे पहले लोगों का कि जिन्होंने उसमें कोई मिलावट नहीं की, जो अल्लाह के नबी पर उतरा वैसे ही आज हम हमारे पास मौजूद है, उसमें एक जर्रा के बराबर मिलावट नहीं हो सकी, उसमें कोई खोट नहीं। 50 साल के बाद बाइबल बदल गई, 50 साल के बाद, 50 साल के बाद बाइबल बदल गई, क्योंकि बाद में नबी कोई नहीं आया, और जबूर तो वैसी वाज़ो नसीहत की किताब थी वैसी मिट गई, और तौरात का निशान मिट गया, उसकी जुबान मिट गई, लेकिन इस उम्मत ने जिस तरह मेरे नबी पे कुरान उतरा था वैसे हम तक पहुंचाया, जैसे उसके फरमान थे वैसे हम तक पहुंचा। तो ये मेरे नबी की बात है, अल्लाहुम्मा अंता अहक्कु मन ذُكِّر وَأَحَقُّ مَنْ عُبِد وَأَنْصَرُ مَنْ ابْتُغِي وَأَرْأَفُ مَنْ مَلَك وَأَجْهَدُ مَنْ سُئِل وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى। अल्फाज है या मोती बिखर रहे हैं, अगर जो आपको अरबी समझ में नहीं आ रही, रिदम तो पढ़ने में आ रहा है, कैसी शायरी है, शायरी नहीं है लेकिन शायरी है, और अब पागल हो गए कि ये मोहम्मद बोलता कैसे है, हम अरबी जुबान के हर एज पेज से वाकिफ पर ये जो बात करता है क्या करता है, अहक मन दुकर अहक मन उबिद अंसर मन बतुहि व अरअफ मन मलक व अजवद मन सुइल व औसौ मन आता انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك هاي 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 كل ملك سائل الا ملكك كل ذل قالس الا ذلك انت الغني لا ظهير لك انت العلي لا سمي لك। मैं तर्जुमा भी करता हूं लेकिन अल्फाज की ताकत समझ में आ रही नहीं, ठा 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 करके दिमाग पर ज़र्ब लगाते हैं, ए मेरे रब फालम, सबसे पहले क्या जानो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जमीन आसमान में तू अकेला है, हवाओं में, आसमानों में, जमीनों में, धरती पर, पानियों पर, समंदरों पर, पहाड़ों पर, दरियाओं पर, जंगलों पर तेरा राज है, तेरे अकेले का राज है, चार पाओ पे चला तो तेरे ताबे होकर, दो पाओ पे चला तो तेरी तेरी बादशाही के साय में, हवाओं में उड़ा, जमीन पे रींगा, पानियों में तैरा, गार में छुपा, नालियों में छुपा, जमीन के अंदर में छुपा, सब तेरी शैन शाही के नीचे है। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहला इल्म जानना था, बर्तानिया में रहो, पाकिस्तान में रहो, मदीना में रहो, मक्का में रहो, अगर अल्लाह को जाना है तो आपको मुबारक हो, और अगर अल्लाह को नहीं जाना तो मदीने में रहकर भी नाकामी और मक्के में रहकर भी नाकामी है। अबू जहल मक्के में था, खंदक के मौके पर तकसीम किया गया, ये हिस्सा मक्के वाले मुहाजरीन खोदेंगे, ये हिस्सा मदीने वाले अंसार खोदेंगे। तो अब जब वो हिस्से तकसीम हो गए, लोग तकसीम होने को, सलमान पे आके झगड़ा हो गया, ये झगड़ा वोट का नहीं था, भाई मैनू वोट देवी मेरा मेरा मेरी पर्ची बात जावे, ये था कि सलमान जिसके साथ होगा उसके लिए बड़ी इज्जत है। तो कुरैश कहने लगे सलमान मिन्ना, सलमान हम में से है, हिजरत करके आया है। तो मदीने वाले कहने लगे सलमान मिन्ना, ये हिजरत करके नहीं आया, ये तो बिकता बिकाया आया है, यहां आके कलमा पड़ा है, लिहाजा सलमान हम में से है। मदीने वाले कहने लगे सलमान हम में से है, वो सलमान का इज्जत अपने साथ लेना, सलमान की इज्जत अपने खाते में डालना चाहते। कुरैश कहने लगे सलमान मिन्ना हम में से है, मुहाजिर है। तो दोनों में फैसला नहीं हुआ क्योंकि कोई फरीक राजी नहीं हुआ, चलो भाई अल्लाह के नबी से पूछते हैं, आ गए, या रसूल अल्लाह हम कह रहे हैं, कुरैश मक्का, सलमान हम में से है, मदीने वाले, या रसूल अल्लाह हम कह रहे हैं सलमान हम में से है, का मैं फैसला करता हूं, न तुम में से है न तुम में से है, सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से, सलमान मेरे अहलुल बैत में से, ईरानी होकर अहलुल बैत में जा रहा है, और अबू जहल
और अबू लहब, चलो अबू जहल तो मखजूमी था, अबू लहब तो चाचा हाशमी कुरैशी होकर वो खानदान से निकलकर इस्लाम से लेकर इंसानियत से निकलकर जानवर में शरीक हो रहा है, और सलमान ईरानी होकर और अहलुल बैत में शामिल हो रहा है। सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से है, मेरे आल में से है। तो पहला इलम मेरे भाइयों है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह को जानना कि सारी कायनात की शहंशाही अल्लाह के हाथ में है। मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, और उसकी बादशाही इतनी ताकतवर है कि पत्ता भी गिरता है तो उससे पूछ के गिरता है, उसके इरादे से गिरता है, उसके इल्म से गिरता है। बारिश का कतरा हो, दरख्त का पत्ता हो, हवा का जर्रा हो, हवा का झोंका हो, दरिया की मौज हो, समंदर की मौज हो, पानी का बुलबुला हो, बुलबुले का फटना हो, फट के फिजा में बिखरना हो, सूरज की किरण हो, चांद की चांदनी हो, तारों की झिलमिलाहट हो, रात का अंधेरा हो, दिन का उजाला हो, दरियाओं की मौजें हो, सहराओं के टीले हो, जंगल जंगल के दरख्त हो, पहाड़ों के पत्थर हो, मेरे रब की कसम हर शय पर अल्लाह का कब्जा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ। अल्लाह नूर السماوات والارض, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय अल कय्यूम, अलिफ लाम मीम, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय अल कय्यूम, इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ला इलाहा इल्ला हु अर रहमान अर रहीम, फइन तवल्लु फकुल हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्श अल अज़ीम, الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يساري آيات لا إله إلا الله فلا علم هي لا भाई मेरे भाइयों, हम बड़े नसीब वाले हैं, हमें अल्लाह ने ये माँ की गोद में दे दिया। मैं स्कॉटलैंड में एक सिख नौजवान मुसलमान हुआ, बयान सुनने मिले, किसी ने दावत दिया, कलमा पढ़ा दिया, मुझसे मिला और फूट फूट के रो दिया कि सारे खानदान ने बायकॉट कर दिया है, न माँ बात सुनती है, न बाप सुनता है, न भाई सुनता है, न बहनें सुनती हैं, सब ने मेरा बायकॉट कर दिया। वो ऐसे रोया जैसे बच्चे रोते हैं, 35 साल का नौजवान, रिश्ते तोड़ना कोई आसान काम होता है। हमारी एक जमात थी सवात में, तो एक नौजवान को हमारा एक साथी दावत देने लगा, वो चुप करके सुनता रहा, फिर कहने लगा, बुजुर्गो मुझे पता है इस्लाम सच्चा मजहब है, आपने मुझे मुसलमान समझा, मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं हूं, मैं अगर आज मुसलमान हूं तो मुझे 70 रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, 70, और मुसलमानों में कोई एक भी नहीं जो मुझे कबूल करे, अपनी बेटी मुझे निकाह में दे, मेरा जिम्मा उठाए, तू बता मैं मुसलमान हो के फिर कहां जाऊंगा। तो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ने माँ की गोद में दे दिया, हमें रिश्ते नहीं तोड़ने पड़े, रिश्ते नहीं काटने पड़े। कायनात की सबसे पहली चीज अल्लाह को पहचानना, फा फा फालम फा, हर चीज से पहले जान अल्लाह है, अल्लाह है, और इस सारी कायनात पर उसका कब्जा और राज है। उसके खजानों से लेने का एक सही रास्ता, एक गलत रास्ता। वो देता, उसने फिरौन को बादशाही दे दी, यहूद को सारी दुनिया की दौलत दे दी, ये नहीं कि वो काफिर को नहीं देता, वो सबको देता है, लेकिन खुश होकर दे, दे भी और खुश भी हो। फिरौन को हुकूमत दी नाराज होकर, सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत दी खुश होकर, ईरान के खुसरो को हुकूमत दी नाराज होकर, उमर फारूक को हुकूमत दी खुश होकर, कि अल्लाह के खजानों से इस तरह लेना कि दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए, यहां भी काम बने आगे भी बने। उसके लिए कलमे का अगला हिस्सा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमे के साथ इसको जोड़ा, ये सारे खजानों के लिए, जैसे मैंने पहले एक और तरह ताबीर कर रहा था, अब उसी को दूसरी तरह कह रहा हूं कि सारे खजाने पर ताले हैं, उसकी चाबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे खजानों के दर खुलेंगे, चाबी है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहन्नम के दरवाजे खुले हुए हैं और जन्नत के दरवाजे बंद हैं,
जहन्नम के दरवाजे बंद करवाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के दरवाजे खुलवाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जतों के लिए जीना बनने वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम की आग से खींच कर दूर ले जाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में इज्जत से सर उठा के चलने के लिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरकतों मोहब्बतों उल्फतों के पैदा करने के लिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कलमे का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये इस तरह अल्लाह ने अपने साथ जोड़ा है कि जब आप मेराज पे गए तो आपने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह आपने इब्राहिम को तो खलील बनाया और मूसा को कलीम बनाया और दाऊद के लिए लोहा नरम किया, सुलेमान के लिए हवा ताबे की और ईसा के लिए मुर्दे जिंदा किए अलैहि सलाम, हर नबी का मौजजा गिनवाया, तो कहा फमाजा जअलतली, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है मेराज पे बात, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवलैसा कद आतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्लिह, मेरे महबूब आपको वो दिया है जो किसी को भी नहीं दिया, वो क्या है, अल्लाह ज़िक्रतु इल्ला ज़िक्रत मई, क़यामत तक आपका और मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, अलग नहीं हो सकता, जुदा नहीं हो सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आदम जुड़े उतर गए, शीस आए उतर गए, नूह आए, जैसे ऑफिसर तब्दील होता है तो नेम प्लेट तब्दील हो जाती है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जुड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हमेशा के लिए, क़यामत का धमाका भी इस जोड़ को नहीं तोड़ सकता और क़यामत का दिन भी इस जोड़ को तोड़ नहीं सकता और जन्नत का दरवाजा इसके बगैर खुल नहीं सकता, तो अल्लाह के खजानों से नफा उठाने के लिए अब यहां रहो, आगे चले जाओ अमेरिका, उससे आगे चले जाओ कनाडा, अलास्का चले जाओ, लेकिन अगर आपके पास मोहम्मदी जिंदगी है तो आपके लिए जमीन आसमान गवाह है और अल्लाह आपका जामिन है कि अल्लाह आपको हर कदम पे इज्जत कामयाबी कामरानी के झंडे आपके लिए गाड़ देगा। अगर मेरे और आपके अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक और पाकीजा जिंदगी मौजूद है, अल्लाह ताला ने, मैं हर जगह ये मिसाल दिया करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है और मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा है, पासपोर्ट के बगैर सफर नहीं हो सकता और वीजे के बगैर एंट्री नहीं हो सकती, अंदर जाने के लिए वीजा चाहिए तो पुल सरात पे वीजा मांगा जाएगा, पुल सरात पर ही बाकायदा जवाज एक पासपोर्ट होगा उसमें मोहम्मदी वीजा है, तो अल्लाह ने पासपोर्ट तो हमें मुफ्त दे दिया, बनवाना नहीं पड़ा, लेकिन एक काम हमारे जिम्मे है कि हम वीजा लगवा दें, मरने से पहले पहले हम वीजा लगवा दें, वीजे के बगैर ये छोटे छोटे मुल्क अंदर नहीं आने देते, वो हमारी जमात के बांग्लादेश शुरू शुरू में अभी नया नया बना था, वो वीजा नहीं था हमारी जमात के पास, उन्होंने पासपोर्ट पर उनको डिटेन कर लिया, अब अंदर नहीं जा सकते, 3 घंटे उनको बिठाए रखा, फिर बाहर से दोस्त है और उनको वहीं फौरी वीजे लेकर निकाले, एक छोटा सा गरीब मुल्क कहता है वीजा दिखाओ, तो जन्नत तो मेरे अल्लाह का मेहमान खाना है, मेरे अल्लाह ने दुनिया बनाई एक दफा इसे मोहब्बत से नहीं देखा, जिस दिन से जन्नत को बनाया है रोजाना 5 दफा पहले से ज्यादा उसे खूबसूरत बना दे, रोजाना दुनिया को बनाया मिट्टी से, गारे से, पत्थर से, लोहे से, चूने से, ईंट से, और जन्नत की अदना चीज है सोना और चांदी, हीरे और जवाहर, ये अदना चीज है अदना। आपने कहा उमर मैंने रात एक महल देखा, एक ईंट मोती की थी, एक यकूत की थी, एक जुमरूद की थी, उसमें मुश्क का गारा था और जाफरान की घास थी, मैंने पूछा भाई ये किसका है, तो फरिश्ते ने कहा ये कुरैशी का है, पता नहीं उसने पहले नाम क्यों नहीं लिया, मेरे नबी ने फरमाया, मैं वैसे ही सुना रहा हूं, तो आपने फरमाया भाई ये महल किसका है, तो फरिश्ते ने कहा कि ये कुरैशी का है, तो आपने फरमाया मेरे जी में आया इतना आलीशान महल है ये मेरा ही होगा, चूंकि मैं कुरैशी भी हूं नबी हूं तो मेरा ही होगा ये महल, फरमाया कि मैं जब चला उसकी तरफ से, कहा हुजूर आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है, आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का, वीजा बहुत बड़ा मुईदा रईत थम्मा रईत नईमन व मुनकिल कबीरा, मेरा अल्लाह कह रहा है
आओ तो सही, तुम देखना कितना बड़ा मुल्क है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया। मुल्कन, जब अल्लाह कहे मुल्कन कबीरा, सबसे छोटा जन्नत। ये जन्नत का जब पाकिस्तान में ढाई मरला स्कीम पर हुकूमत ने घर बनाया ना, छोटे से ढाई मरला स्कीम, तो जन्नत का जो ढाई मरला स्कीम है, आखिरी जन्नत, जन्नत की आखिरी जन्नत, ये सातवां आसमान जन्नत का बेड बनता है, यानी उसकी फाउंडेशन है। फिर अल्लाह ने उसको यहां से उठाया और ये अर्श पे जाकर उसको लगा दिया है, और जो अर्श के साथ जन्नत बनाई है उसका नाम फिरदौस है, उसका नाम फिरदौस है। जो नीचे जन्नतें हैं उनको कहा कूनी ए जन्नत बन जा, वो बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई, जब यहां आ गई और ऊपर रह गई अर्श की छत, तो अल्लाह ताला ने वहां अमर कुन से हटकर मेरे नबी ने कहा अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया। इंसान के हाथों की बनी चीजें आदमी देख के तंग रह जाता है, तो जिसे अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो क्या चीज बनेगी। यहां पानी की नहरें बहाई, वो भी मिट्टी से और आंधियों में आकर गंदा हो जाता है, वहां दरिया बहा दिए शहद के, शराब के, दूध के, पानी के, और सारे दरियाओं का जो जहां से वो निकलता है सब कुछ, वो जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस। और ये आपके सात बर्रे आजम 24,000 किलोमीटर की दुनिया को उठाकर जन्नत की किसी एक नहर में डाल दिया जाए, ऐसे डाल दिया। तो रब्बे जुल जलाल की कसम, ये ऐसा लगेगा जैसे कोई एक छोटा सा पत्थर तुम किसी दरिया में डाल दो तो उसके न जाने का पता चलेगा ना डूबने का पता चलेगा। ये 24,000 किलोमीटर का गेंद जन्नत की किसी एक नहर में डाल दो, यूं जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा है कहां। इतना बड़ा निजाम मेरे अल्लाह ताला ने वहां बनाया है। वइदा रअयत थम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा, इतना बड़ा है कि मेरा रब कहते तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो जन्नत की ढाई मरला स्कीम, यानी सबसे छोटी जन्नत का जन्नती जब जन्नत में जाने लगेगा, पहले जहन्नुम में आग में जलता 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 फना हो जाएगा, फिर जब उसकी सजा पूरी हो गई तो अल्लाह ताला उसको उठाकर एक जगह पहुंचा देगा और उससे ऊपर एक दर्जा उसको दिखा देगा। वो अल्लाह ताला से कहेगा या अल्लाह मुझे यहां पहुंचा दे, मैं इससे आगे तो इससे नहीं मांग। अल्लाह ताला फरमाएगा इससे आगे तो नहीं मांगेगा, कहीं तेरी कसम कुछ नहीं मांगता। तो अल्लाह उसको वहां से उठाकर यहां बैठा देगा, यहां बैठाएगा तो उसको एक और दर्जा दिखा देगा, वो फिर उसको देखकर थोड़ी देर तो सब्र करेगा, फिर कहेगा या अल्लाह तेरी मेहरबानी वहां पहुंचा दे। तो अल्लाह कहेंगे फिर आगे का तेरी कसम आगे नहीं मांगूंगा। अल्लाह तो उसको वहां पहुंचा के एक दर्जा और यूं दिखा देगा, वो उसका आखिरी घर होगा जो उसने उसने जाना था। ये अल्लाह का लाड होगा उस बंदे के साथ के दोजख में सहले त्रोड़ हो गई तो अल्लाह उसके साथ दिल लगी करके उसको ऊपर तक ला रहा है, तो उसका असल घर उसको दिखाएगा। अब पीछे 3-4 दफा वो कसमें खा चुका है, तोड़ चुका है, अब वो उधर देखता है तो सबर नहीं आता और कस्मों का ख्याल आता है तो डर लगता है कि कहीं रिवर्स गियर ना लग जाए, तो लिहाजा वो अंदर ही अंदर अब बेचैन हो रहा है, बेचैन हो रहा है, मांगने से भी नहीं रह रहा और मांगते हुए डर भी रहा है अंदर ही अंदर। तो अल्लाह तो देख रहा है अंदर क्या हो रहा है, तो आखिर अल्लाह थोड़ी देर के बाद जब वो नहीं मांगता तो अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मांगता क्यों नहीं, वो कहेगा या अल्लाह इतना मांगा कि शर्म आ रही है मांगते हुए, और इतनी दफा कसमें तोड़ी है कि अब कसम तोड़ते हुए शर्म आ रही। तो अब अल्लाह ये कहेगा हाँ मेरे नबी ने फरमाया और जो भी मेरे नबी ने फरमाया सच फरमाया, हाँ मेरे बंदे तू राजी है कि मैंने जिस दिन दुनिया बनाई थी उस दिन से लेकर जिस दिन मैंने उसे तबाह किया था इस सारे को 10 गुना करके तुम्हें दे दूं, राजी हो। वो इतना बेयकीना होगा कि अल्लाह से कह बैठेगा या लो रब हो के मजाक तो ना करो मेरे नबी, अंतर रब या अल्लाह तू बादशाह शहनशाह तू मेरे जय कमी कमी नल मजाक कर रहे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा बला अना अला ज़ालिका कदीर, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं इस पे कादर हूं, चल दे दी।
अल्लाह अकबर, सबसे छोटा जन्नती जन्नत में दाखिल हो रहा है, दरवाजा खुल रहा है, उसका नौकर देखकर, उसके नौकर को जो दरवाजा खोलेगा उसको देखेगा उसका हुस्न जमाल, तो उसके आगे ऐसे थोड़ा झुकेगा, वो कहेगा अब क्या कर रहे हैं, वो कहेगा तुम फरिश्ते हो, तुम्हें मैं इज्जत दे रहा हूं, वो कहेगा मैं फरिश्ता नहीं, मैं तो आपका नौकर हूं, छोड़ो। फिर उसको लेके थोड़ा सा चलेगा तो एक नूर उठेगा जबरदस्त, तो एकदम सजदे में चला जाएगा, तो फिर उसको नौकर कहेगा मेरे आका आपने किसको सजदा किया, कहेगा ये सामने अल्लाह का नूर नहीं, कहेगा नहीं 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 नहीं, ये तो आपके घर की लाइटें हैं, आपके घर की रोशनियां हैं, अल्लाह का नूर अभी कहां है, कुछ हो। फिर आगे चलेगा तो 80,000 नौकर उसको गॉड ऑफ ऑनर पेश करेंगे और 80,000 नौकर उसका इस्तकबाल करेंगे और लाइन बना के खड़े होंगे और उसके लिए कारपेटिंग होगी, 40 साल उस पर चल सकेगा, इतना बड़ा कारपेट बिछाया जाएगा। वो उसे कहेंगे मेरे आका आप बड़ी देर से आए, आप बड़ी देर से आए, वो कहेगा तो उसे शुक्र करो मैं आ गया जे, बड़े लेतर खा जे मैं। फिर उसको लेकर वो एक बड़े खूबसूरत मैदान में पहुंचेंगे और उसको बैठाएंगे 80, अभी आप हम भी खाना खाने वाले हैं, 2-4 रोटियां तो बाद हर एक दिन बस हो जाऊंगे, पानी पियो तो खाने की गुंजाइश नहीं, खाना खाओ तो पीने की गुंजाइश नहीं, ये 80,000 नौकर होंगे, एक हाथ में डोंगा होगा, एक हाथ में गिलास होगा और एक में खाना होगा, एक में कुछ पीने की चीज होगी, ये उसको पेश करेंगे, ये 80,000 डोंगे की का आखिरी लुकमा तक खा जाएगा और 80,000 गिलास का आखिरी घूंट पी जाएगा, न पीने की लज्जत में कमी न खाने की लज्जत में कमी, और हर अगले लुकमे और पानी की लज्जत पहले से ज्यादा होगी, पहले से ज्यादा होगी, इतना खाने के बाद पेशाब नहीं और पखाना नहीं। फिर कहेंगे अच्छा अब हम चलते हैं, अब अपने घर वालों से मुलाकात फरमा लें, और वो यूं गायब हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा कि ओ गए तो उन्होंने जाते जाते भी आधा घंटा लग गया, 80,000 बंदे जाना, वो यूं गायब हो जाएंगे, एक सेकंड में गायब हो जाएंगे, और फिर एकदम सामने से ऐसे पर्दा हटेगा, ऐसे पहले उसे पता नहीं होगा कि आगे पर्दा है, एकदम जब हिलेगा तो पता चलेगा तो कोई पर्दा है, ऐसे पर्दा हटेगा हटेगा ऐसे। और एकदम एक लड़की एक तख्त पर यूं बैठे होगी उसके सामने, और उसने 100 जोड़े पहने होंगे और हर जोड़े का रंग अलग होगा और हर जोड़ा पिछले जोड़े से नजर आएगा। अब मैंने आप कुर्ता पहने तो आपको बनियान नजर नहीं आ रही, जहां वेस्ट कोट है वहां कुर्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके 100 जोड़े अलग अलग नजर आएंगे और फिर आखिर में पूरा जिस्म शीशे की तरह चमकता हुआ नजर आएगा और हुस्न ऐसा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं 2.5 मरला स्कीम, ऊपर वाली जन्नत नहीं बता रहा हूं, 2.5 मरला स्कीम बता रहा हूं जन्नत की, जब उस लड़की के चेहरे पर उसकी नजर पड़ेगी तो उस रब की कसम जो मेरी और आप पर जिसकी नजर है और जो सुन होगा वहीं गुम हो जाएगा और 40 साल गुजर जाएंगे, उसको पहलू बदलने का होश नहीं रहेगा, 40 साल सिर्फ देखने का मजा लेता रहेगा, चूंकि हमारा टाइम अल्लाह ने 0 कर दिया है तो गुजरने का तो पता नहीं चलेगा, लेकिन दुनिया के लिहाज से 40 बरस गुजरेंगे और उसको देखने का शौक लज्जत पूरा नहीं होगा, वो देखते आखिर वो लड़की कहेगी या वली अल्लाह अमालक फीना मिन रहवतन, आपको मेरा शौक नहीं है, मेरे पास नहीं आओगे, दूर ही बैठे रहोगे। फिर उसको होश आएगा जाए दोजख दे काले फरिश्ते वे के जन्नती हुर वे के कमला नो में तो और की हो, वो कहेगा अल्लाह की बंदी तू है कौन, मनंती कौन है, कहे तेरी बेगम, तेरी सब जिंदगी की साथी, तेरे इंतजार में सबके घर वाले पहुंच गए, मैं ही तेरे इंतजार सुकड़े पे गए। फिर वो उठ के जाएगा और उसको गले लगाएगा, ये मुआन का 70 साल मुआन खड़े होकर उस मुआन के पे खड़ा रहेगा 70 बरस, मिकदार उम्र ही मैंने दुनिया, ये मैं आपको जन्नत का सबसे अदना घर बता रहा हूं, तो इतना बड़ा मेरे रब का सेटअप है, वीजा तो चाहिए, छोटे छोटे मुल्क होते हैं इतनी फीसें रखते हैं, डेटें देते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फिंगरप्रिंट लेते हैं, तो अल्लाह ताला भी तो फिंगरप्रिंट लेगा, मुझे थोड़ा सा बस मोहम्मदी झलक दिखा दो बस, वो है तो आ जाओ, ये मेरा मेहमान खाना है, मैं यहां उन्हीं को दाखिल होने की जगह दूंगा जो मेरे महबूब के सांचे में ढल के आएंगे, एक से प्यार किया
اور پھر اعلان کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ میرے حبیب برطانیہ والوں کو بتا دے اور پوری دنیا کو بتا دے, جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گا. تیرے تابع ہو کر آئیں گے تو قبول ہیں, تیرے تابع نہیں ہے تو قبول نہیں ہے. اعلان کر دیا پوری دنیا کے انسانوں کو, مردوں کو, عورتوں کو بتا دیا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آپ نے کہا بلال ارے بھائی کیا ہوا, میں جب جنت میں جاتا ہوں میں تجھے اپنے آگے دیکھتا ہوں, تیرے قدموں کی آڑ سنتا ہوں, تو کیا کرتا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی سے ملا ہے. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا میں نے سنا قرآن کی تلاوت. میں نے کہا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں. حارثہ بن نعمان تو مدینے بیٹھا ہے, اتنی تلاوت کی تو آ گئی. لیکن آپ تھوڑے سے لوگوں کو سنانے کے لیے یہ کتنا بڑا مائک سسٹم لگا ہوا ہے, اور جہاں جہاں ہوا ختم ہو جاتی وہاں تو بات آگے کنورٹ نہیں ہوتی, آگے منتقل نہیں ہوتی. تو سات آسمان کے اوپر جنت ہے اور میرے نبی وہاں کھڑے ہوئے حارثہ کی تلاوت سن رہے ہیں. کیڑے تارا بچھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے, محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے. تو اچھا یہ اس کی آواز جنت میں پہنچی کیسے, حارثہ بن نعمان کی آواز جنت میں پہنچی کیسے؟ تو پتا چلا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر فرمایا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. یہ صلہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا. دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی کسی نے نہیں کی, ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت حارثہ بن نعمان. یہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے, کنگھی خود کرتے تھے, تیل خود لگاتے تھے, روٹی خود بناتے تھے, سالن خود بناتے تھے, بیٹھ کے اس کو توڑ کے کھانے نہیں دیتے تھے, خود توڑ توڑ کے کھلاتے تھے, اور اس کے کپڑے خود دھوتے تھے, بیوی سے کوئی کام نہیں لیتے تھے. ہم نے تو بیویوں پہ ڈنڈا اٹھا ہوتا ہے کہ تو میری ماں دی کر میں تو ویل کوئی نہیں. وہ خود کرتے تھے, بیوی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے. تو بھائیو اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی, مبارک زندگی. اس زندگی کو اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا. آج تو 1435 ہجری ہے, میرے رب کی قسم 1435 ہجری بھی ہوگی نا تو میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہوگی, ہر چیز محفوظ ہوگی, تاکہ لینے والوں کو پتا ہو کہ ہم نے کیا لینا ہے اور پتا ہو کہ ہم نے کیا چھوڑنا ہے. قیامت تک اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی ہر شے کو محفوظ کر دیا. ساری جب انسانیت کی نبوت دی, سارے انسانوں کی نبوت دی, آنے والے زمانوں کی نبوت دی, تو آپ کی زندگی کو باقی رکھنا بھی تو پھر اللہ کے ذمہ تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی, یہ واحد نبی ہیں, واحد نبی ہیں جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے. کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے. چار بڑے رسول, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ چار بڑے رسول ہیں. 313 رسول آئے ہیں, ہمیں تو یہ چند ایک کے نام ہیں, باقی تو نام بھی تاریخ نے مٹا دیے. پھر جو نام محفوظ ہیں, قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر آیا, ان کی بڑی مختصر تاریخ ہے, کہاں کیسے کیا زندگی کچھ پتا کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی امت اس وقت سب سے زیادہ ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا تھی کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا تھی موجود نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی یتیم پیدا ہو رہے, عیسیٰ علیہ السلام تو معجزے سے پیدا ہوئے, معجزے سے. موسیٰ علیہ السلام معجزے سے پیدا ہوئے, لیکن ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہو رہے ہیں, بلکہ دادا بے قرار ہے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہے, یا اللہ میرا عبداللہ مر گیا, آج انہوں بچہ دے دے تاکہ وہ نشانی رہ جاوے. اسے کیا خبر کہ آج کون آ رہا ہے. وہ تو بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے عبد المطلب رو رہے تھے کہ یا اللہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میرے بیٹے کا نشان مٹ جائے, آج میرے بیٹے کے گھر بیٹا پیدا کر دے. اور اسے نہیں خبر کہ اس کے گھر میں دو جہان کے سردار آ رہے ہیں. جنہیں خبر تھی انہوں نے شور مچا دیا. صبح ہوئی تو 12 ربیع الاول کی صبح ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کے لیے مکے, تو اس نے حرم میں شور مچایا, آج کسی قریشی کا بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہا ہاں آج دو بچے پیدا ہوئے. کس کے؟ ان کا فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے. کہا اس کا باپ زندہ؟ کہا ہاں. کہا نہیں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مر چکا ہو. کہا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے.
कि मुझे दिखाओ। तो आपको बाहर लाया गया, उसने जो ही आपके चेहरे पर नजर डाली और फिर पलट के मोहरे नबूत पे जो नजर पड़ी तो उसकी चीख नहीं का वैलुल्ल बनी इसराइल लकद खरजत नबूवत मिनहा, हाय बनो इसराइल आज नबूत तुम्हारे घर से निकल गई, और ऐ कुरैश आज ये इज्जत तुम्हारे घर में उतर गई। एक दिन आएगा इस बच्चे का नाम कुल कायनात में रोशन होगा, और कुल कायनात को ये रोशन करेगा ये बच्चा, जिन्हें खबर दी वो तो शोर मच गया। एक समंदर की मछलियों ने दूसरे समंदर की मछलियों को जाके मुबारक दी, दुनिया में पहली और आखिरी दफा हुआ, वरना हर मछली अपने बाउंड्री जानती है, जब वो अपने बाउंड्री पर आती वापस चली जाती, पानी आपस में नहीं मिलता, मछली मिलती। केप टाउन के आखिर में गया, वहां पैसिफिक और इंडियन ओशन मिल रहे हैं, तो मुझे दोस्तों ने बताया कि वो दो समंदर आपस में यूं लकीर बनी हुई थी, और जहां तक नजर जाती थी पानी आपस में मिल नहीं रहा था, बल्कि पार्टीशन साफ नजर आ रही थी। तो उन्होंने कहा जी इससे भी अगली बात यह है कि इस समंदर की मछली इधर नहीं जाती और इधर की इधर नहीं आती, जब इस किनारे पर आती तो वापस चली जाती, वही आती तो वापस चली जाती है। दुनिया में सिर्फ ये, अब मैं आगे कह रहा हूं, दुनिया में सिर्फ एक दफा हुआ जिस दिन मेरे आपके नबी पैदा हुए, एक समंदर की मछलियों ने दूसरे समंदर की मछलियों को जाके मुबारक दी कि आज कायनात के सरदार आ गए, आज वजह कायनात आ गए, कायनात के लिए रहमत आ गए। और दुनिया में जितने बुत थे जमीन पे जा गिरे, और ईरान के बादशाह के महल में 1000 साल से आग जल रही थी, एकदम बुझ गई, और ईरान का बादशाह नौशेरवान ने वो महल बनाया था संगमरमर से, उसके 14 बड़े-बड़े बुर्ज टूट के जमीन पर गिर गए। हुआ कि एक यतीम पैदा हो रहे हैं, यतीम, दूध पिलाने वालियां दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं है। 10 औरतें आती हैं, हलीमा के भाग जागने थे, उसकी सवारी कमजोर थी, वो लेट हो गई, तो उनके खानदान की सारी औरतें 9 बच्चे लेके चली गई। हर औरत ने इस यतीम को पूछा और यतीम समझ के छोड़ दिया। फिर हलीमा मक्के में एंटर हुई तो इन्होंने भी देखा यतीम है, मुझे मुआवजा कौन देगा, पैसे कौन देगा। सारा मक्का फिर के आके थक के बैठ गई तो खामिद ने कहा हलीमा खाली गोद जाने से बेहतर नहीं कोई यतीम हम गोद में ले लें, चले हमें अजर ही सही। कहा चलो ये ठीक है। अब दोबारा गई भी खाली गोद जाना मुझे ताना मिलेगा। कहा कि अमना बहन अपना बच्चा दे दो। उन्होंने फरमाया इसकी बरकतें तो देखेगी जब ये तेरी गोद में आए। उनकी छातियां खुश्क थीं, जो ही गोद में लिया दोनों छातियां दूध से भर के, और आपने एक छाती से दूध पिया दूसरी तरफ लगाया तो इनकार कर दिया, मुंह बंद कर लिया कि एक और बेटा था हजरत हलीमा का जो दूध पीता था। शुरू से आपने इंसाफ की बुनियाद रखी। और इससे अजब बात अब बताने लगा हूं कि कुल कायनात को पता है कि कौन आ गए। अगले दिन जब हजरत हलीमा सवार हुई अपनी गधी पर, खोती थी जिसको खुद पर सवार थी, ऊंटनी पर सामान था उसी का, हाँ, जब रात हुई तो भूख से बेताब, तो कहने लगी अपने खामिद से इब्न अबी कबशा, ना अब गधी पर सवार हुई और गधी की लगाम उठाई उसको चलाने के लिए, तो उसने एकदम तेजी से मुंह मोड़ा और बैतुल्ला की तरफ मुंह करके सजदा किया, फिर सर उठाया आसमान को शुक्रिया का, फिर सजदा किया, फिर सर उठाया, फिर सजदा किया, फिर सर उठाया और फिर मुंह सीधा करके हलीमा के गांव की तरफ चल पड़ी हैं कि जिस गधी पर आप सवार हुए उसे भी पता चल रहा है कि ये यतीम कौन है, ये कौन आ गए हैं। हज अब्बास कहने लगे यार रसूलुल्लाह मुझे तो आपके बचपन में पता चल गया था आप कोई बड़ी शान वाले हैं। आपने कहा वो कैसे पता चला? कहा आप चारपाई पे लेटे हुए थे सहन में, ऊपर 14वीं का चांद था, तो आप बच्चा मूवमेंट करता है ऐसे ऐसे हाथ पांव मारता है, अल्लाह का निजाम है जिससे उसका गिजा डाइजेस्ट होती है। तो कहा मैं देखता रहा तो मैंने देखा कि आपके हाथ की हरकत के साथ चांद उधर हो जाता था, जब आप यूं करते चांद उधर हो जाता, जब यूं करते चांद उधर हो जाता, आपके हाथ और पांव की हरकत से चांद जिग-जैग कर रहा था। तो आपने फरमाया चांद मुझसे खेलता था, मुझे लोरियां सुनाता था, यो हाकीनी व यो नाजीनी व यो नागीनी, यो हाकीनी व यो नागीनी,
وَيَمْنُعْنِي مِنَ الْبُكَى, चांद मुझे खिलाता था, मेरे साथ खेलता था, मुझे कहानियां सुनाता था और मुझे रोने से रोके रखता था ताकि मेरी माँ के काम में कोई खलल ना आए। ये तो अंगूठे में गोद में ये शहनशाहियां अल्लाह ताला ने दिखाई और ये बुलंदियां अल्लाह ताला ने दिखाई। वाहिद नबी हैं जिनकी पैदाइश से लेकर दुनिया से जाने तक की हर अदा महफूज, जिंदगी का हर अमल महफूज। हमारे शहर का नाम क्या, वेकफील्ड वाले ये ना कह सके कि पता नहीं हमारे नबी क्या करते थे, पता नहीं उनकी जिंदगी कैसी थी। इससे भी 10,000 साल ऊपर चले जाएं अगर दुनिया ने बाकी रहना है तो जैसे कुरान पे कोई हर्फ नहीं आ सकता, ऐसी मेरे नबी की जिंदगी पर भी अल्लाह का साया है। सारी दुनिया के दज्जाल खटे हो जाए, मेरे नबी की जिंदगी को बदल नहीं सकता। तो भाईओ नमूना मौजूद है, जिंदगी मौजूद है। मेरे नबी जब एक छोटी सी बात बता, मेरे नबी जब गमगीन होते थे, अच्छा भी ये गमगीन होना एक आदमी की फितरत में शामिल है, तो गमगीन होते थे तो आप क्या करते थे? अगर हमें ये मालूम ना हो तो कोई हलाल हराम का किस्सा तो नहीं, कोई हलाल हराम का किस्सा तो नहीं, कोई जायज नाजायज का किस्सा तो नहीं। लेकिन जिससे प्यार होता है उसकी हर अदा को महफूज रखा जाता है। अल्लाह ने अपने हबीब से प्यार किया, उसकी हर शय महफूज कर। मेरे नबी जब गमगीन होते थे तो यूं बैठते, और को नहीं यहां रखते, थोड़ी देर के बाद यूं सर पे हाथ फेरते, ऐसे दाढ़ी पकड़ के बैठ जाते। ये मेरे नबी के गम की निशानी होती थी। जब आप खुश होते थे ये जगह पहले ही नूर था, लेकिन यहां से ज्यादा रोशनी निकलना शुरू हो जाती। जब आप किसी पे नाराज होते थे, सुभान अल्लाह कुर्बान जाऊं, हाय हाय, जरा अपने नबी की नाराजगी सुनना। आप अबू हुरैरा पे फर्ज करो नाराज हो गए, तो अबू नाराजगी का इजहार कैसे होता था कि उसको बेइज्जत कर रहे हैं, डांट रहे हैं, डपड़ रहे हैं। इधर से अबू हुरैरा मस्जिद में एंटर हुए और आपकी नजर पड़ गई और आप नाराज हैं, तो बस ये नाराजगी थी। बस आप मुंह इधर करके बैठ जाते, ऐ नाराजगी। आप हजरत अनस पे नाराज हो गए, वो इधर से आए हैं, आपकी नजर पड़ी तो इससे आगे कुछ नहीं, और उस सहाबा को फौरन पता चल जाता था वो अल्लाह के नबी नाराज। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जिहाद पे जाने लगे, मां ने रोका कि बेटा मैं बूढ़ी हूं, मुझे छोड़ के क्यों जाता हूं, मैं तो जाऊंगा, कहा मैं तुझे इस दूध का वास्ता देती हूं जो तुझे पिलाया, ऐसे अपनी छाती की तरफ इशारा किया, मैं तो जाऊंगा। उन्होंने फौरन अल्लाह के नबी को पैगाम भेजा कि मैंने इसे दूध का वास्ता दिया और फिर ये मुझे छोड़ के जा रहा है। तो अबू हुरैरा हथियार सजा के आए कि मुझे शाबाश मिले कि आपने देखा तो यूं फेर लिया। वो परेशान हो गए, उनको अंदर की बात का तो पता नहीं था, भाई मां ने पैगाम भेज दिया। वो तो बड़े खुश होकर एंटर हुए कि आप मेरा नबी कहेगा शाबाश भाई थापड़ा है तेन। वो आप ऐसे बैठ गए, इसे बैठने का मतलब था कि आप नाराज हैं, उनको तो अपने पड़ गए, हथियार भूल गए। कहा रसूल अल्लाह आप नाराज हैं? कहा मैं नाराज हूं, क्या हुआ? कहा तेरी मां ने तुझे दूध का वास्ता दिया तो फिर हथियार उठा के आ गया, मुझे ऐसा जिहाद नहीं चाहिए जिसमें मां का दिल दुखे, चल जा मां की खिदमत कर, मुझे तेरे जिहाद की कोई जरूरत कोई। ये मेरे नबी का इजहार है, उस नाराजगी का इजहार हो रहा है। सराफा रहम नबियों में रहमत लकब पाने वाला, बुरा दें गरीबों की बरलाने वाला, गरीबों का वाली गुलामों का मौला। आये हाय, तो मेरे नबी की जिंदगी की हर शय महफूज है। आप मजलिस में चौकड़ी मार के बैठते थे, अत्तयात की शक्ल में नहीं बैठते, चौकड़ी मार, और कभी मजलिस में पांव नहीं फैलाए ऐसे, चाहे कितनी लंबी मजलिस होगी पांव लोगों की तरफ सीधा नहीं, कभी लोगों को इतना एहतराम दिया कि हमेशा बावकार होकर उनके सामने बैठे। और अपनी मजलिस में जब किसी को बुलाना होता वो दूर बैठे तो यूं इशारा नहीं करते थे उंगली का, बल्कि पूरे हाथ का इशारा करते, यूं आप जरा तशरीफ लें, यूं ऐसे नहीं करते थे कि ये, अगर जिसमें कोई तकब्बुर की बात नहीं, लेकिन ये तकब्बुर से मिलती चीज है जिसको उर्दू में कहते उंगली उठाना। तो मेरे नबी सारी जिंदगी इससे भी बचे, कभी किसी को ऐसे नहीं किया, बल्कि यूं करके पूरा हाथ का इशारा देकर यूं फरमाते, इशारे में भी इज्जत देते थे।
بیان کے دوران کبھی آپ نے مکے نہیں لہرائے، کبھی غصے کے ساتھ اپنے کوئی ایکشن نہیں دکھائے، بلکہ ایک ہاتھ میں آپ کے لاٹھی ہوتی تھی اور دوسرا ہاتھ زیادہ یہاں تک جاتا تھا، بات کرتے کرتے یوں فرماتے کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کو بے عزت نہیں کی، کبھی کسی کا ممبر سے نام لے کر اس کو بے عزت نہیں کی۔ دوران گفتگو جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کی ایک غیر ارادی حرکت تھی، میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے حلال حرام سے کوئی تعلق نہیں، جنت اور جہنم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ محبت کی چیزیں ہیں۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر شے محفوظ کر کے رکھ، ہم نے اپنے پیو دادے کی چیزیں سنبھال کر، اے میرے پیو دی ٹوپی پئی ہے، میرے ابے دی کشکن پئی، یہ میرے اما کا دوپٹہ پڑا ہوا ہے، تو میرے اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، کہ میرے حبیب تیری ہر ادا محفوظ رکھوں گا، قیامت تک کسی نبی کی زندگی پر ایسا سایہ نہیں، کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، واحد ہمارے نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن خینان بن آنوش بن شیچ بن آدم علیہ السلام۔ کوئی زندگی کا ایسا گوشہ نہیں جس پر اللہ کی روشنی نہ پڑی ہو، تو یہ ساری بھلائیوں کا راستہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ پرائے دیش میں ہو، اگر اپنی اس وراثت کو سنبھالو گے نہیں تو اگلی ابھی آپ کے جن کے پاس پاسپورٹ ہے ان کے لیے انگلینڈ اب پرایا دیش نہیں، ان کے لیے یہ ملک ہے، ان کا اب ان کا ملک پاکستان نہیں ہے، اب ان کا ملک انڈیا نہیں ہے، بنگلہ دیش نہیں ہے، جن کے پاس یہاں کا پاسپورٹ ہے وہ یہاں کے شہری ہیں، ان کی نسلیں یہاں کے رہنے والے ہیں۔ اگر آپ نے اس وراثت کی حفاظت نہ کی تو یہ ہاتھوں سے چیز نکل جائے گی۔ میں جنوبی امریکہ کے میں نے سفر کیے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی نسل اسلام چھوڑ کے ختم ہو گئے، 0 ہو گئے، کسی نے ان کو اسلام چھوڑنے کی دعوت نہیں دی، ان کے ماں باپ نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ ہم کون۔ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی، مسجد میں 2 نوجوان پہنچ گئے، کہا جی ہمارا باپ رات مرا ہے، اس نے ہمیں رات کو بتایا کہ میں مسلمان ہوں تو میرا مرنے کا کسی مسلمان سے نظام کروانا، آج تک اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ عرب تھا وہ، آج تک اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ تو میرے بھائیو، آپ کا بہت بڑا طبقہ یہاں آباد ہو چکا ہے اور اللہ نے آپ کو رزق دیا، آپ کے بزرگ آپ خود یہاں مزدوریاں کرنے آئے، اللہ نے آپ کو رزق دیے، کاروبار دیے، آپ کو عزت دی، یہاں آپ کو بڑے گھر دیے، گاڑیاں دی، پیسہ دیا، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں جمع کیا کہ آخر میں آپ سے کوئی چندہ مانگے اور آپ کے لیے کوئی آپ سے کوئی ڈونیشن کا مطالبہ کریں، ہم آپ سے مطالبہ ضرور کریں گے، وہ یہ کریں گے کہ اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے گھر کا ماحول ایمانی بناؤ، اور گھر کا ماحول ایمانی بنتا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ، عبادات کا اس میں حصہ ہے، نماز ذکر تلاوت ہو، چونکہ وہ تو فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن ہو تو اوپر بلڈنگ نہیں بن سکتی، لیکن جو گھر اسلامی
معاشرت کا رنگ پیش کرے گا وہ اخلاق سے پیش کرے گا, وہ برداشت سے پیش کرے گا. مانچسٹر میں میں بیان کرنے, میں پچھلے 32 سال سے انگلینڈ آ رہا ہوں, اے نہیں کہ میں کوئی انا, میں پتا کوئی نہیں اتھو دا. تو ان کو عزت دو تو وہ تمہاری نسل پر محنت کریں گے. جو پاکستان سے آتا ہے, جو بنگلہ دیش سے آتا ہے, جو انڈیا سے آتا ہے, اس کو تو پتہ نہیں ان بچوں سے بات کیسے کر سکتا, اس کی انگلش اچھی نہیں. انگلش اچھی ہو تو ان کو بچوں کی نفسیات کا نہیں پتا کہ ان سے بات کیسے کر سکتے, ان کو قریب کیسے کر سکتے. وہ تو وہاں کا کلچر لے کر آیا, وہاں کی زبان لے کر آیا, وہ یہاں کے بچوں کو کبھی بھی دین نہیں سمجھا سکتا. اور یہاں کے بچے اللہ کے فضل سے بہت پیدا ہو چکے ہیں, لیکن آپ ان کو وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہو, آپ کی مسجد میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. میں ناروے گیا تو ایک بچہ یہاں انگلینڈ سے پڑھ کے گیا تھا, تو سارے وہ کمیٹی والے اکٹھے ہو گئے, کہا دیکھو جی یہ کیسا امام ہے, ہمارے یہ کاروبار بھی کرتا ہے اور ادھر مسلے پہ آتا ہے, ہمیں ایسا امام نہیں چاہیے. تو میں پتا کر لیتا. میں نے اسے پوچھا, بیٹا کیوں آپ یہ, آپ کے نمازی اور کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی کیسا ہے جو کاروبار کرتا ہے. کہا جی ان سے کہو میری تھوڑی تنخواہ بڑھا دے تو میں کاروبار نہیں کرتا. اب یہ کہتے روٹی بھی نہ کھاتے نماز بھی پڑھا, ایک مجھے تنخواہ اتنی تھوڑی دیتے ہیں کہ میں اپنا چولہا نہیں جلا سکتا, تو پھر میں کیا کروں, چوری کروں؟ تو مجھے کوئی کاروبار تو ساتھ کرنا ہے کہ میں اپنے گھر کا خرچہ تو چلا سکوں, اس لیے میں کاروبار کرتا. یہ مجھے تنخواہ اچھی دے, میں نہیں کرتا کاروبار, میں سارا دن مسجد میں حاضری دیتا. تو بھائیو یہ بہت بڑے مسائل ہیں, شاید آج آپ کو نہ پتا چلے, لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک بہت بڑی بھیانک خوفناک شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے. یہ جو میں نے جنوبی امریکہ میں دیکھا ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن ایسا ہوا, ان کے پاس وہاں زیادہ عرب ہیں, ہمارے پاکستانی کوئی نہیں ہے, ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ سب کو ایک آدمی جیب میں ڈال, پاناما کا ایک لبنانی تاجر, اللہ کی قسم آپ سب کو جیب میں ڈال تو انہوں پتہ نہیں لگے گیا کدھر. اتنی دولت ہے لیکن ان کی نسل ان کے ہاتھوں سے گم ہو چکی, انہوں نے مال تو بنا لیا ہے لیکن انہوں نے مسجدیں نہ بنائی, مدرسے نہ بنائے, اسکول نہ بنائے, نسل ختم ہو گئی. تو ایک اسلامی اخلاق زندہ کرو, آپس میں لڑے ہوئے نہ ہو, آپس میں نفرت نہ ہو, آپس میں فرقوں میں بٹ کے نہ رہو. مسلم اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس کے نبی کا, امت بن کے رہو اور مسلم بن کے رہو, جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ پکے رہو, دوسرے کو ہرٹ نہ کرو, دوسرے کو ذلیل نہ کرو, سب کو جنت, اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی اس ویلی رکھنے. بھئی اگر ذرا میں ہی جنت جامنا ہے, باقی سارے دوست بھی تھے کو اسی جنت ہی, تو اللہ دی ویلی, اللہ کی کرنے ویلی جنت ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے جائے گا جنت میں ایک نہ ایک دن انشاءاللہ. تو سب کو سینے سے لگاؤ, گلے سے لگاؤ, پیار کرو, محبت کرو. تبلیغ والوں کے لیے اپنی مسجدیں کھول دو کہ یہ دنیا میں واحد محنت ہو رہی ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہو کر اپنے پلے سے پیسے خرچ کر کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا رہا. ایک عالم کو بلاؤ, پہلے پیسے دو گے پھر وہ آئے گا, اور جو دنیا کے آخری کناروں تک جا رہے ہیں اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ایک چیز آپ سے نہیں مانگتا. تو اپنے گھروں کو ٹائم دو میرے بھائیو, اپنے گھروں کی معاشرت ایمانی بنانے ہیں تو گھروں کو ٹائم دو, اولاد سے پیار کرو, ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو, پیار کرو, محبت دو. محبت کے اندر لپٹی جو بات کرو گے ان کے اندر اتر جائے گی, ڈانٹ ڈپٹ تنبیہ, اے کیوں کیتا, اے کیوں کیتا, تو رد عمل ہوگا. میرے نبی نے کیسی نسل کو رضی اللہ عنہ بنا دیا کہ جن کے لیے مار دینا, مر جانا عزت. بنو اسد بنو امیہ کو پرتانا کر رہے ہیں. بنو اسد ایک قبیلہ, بنو امیہ بڑا مشہور قبیلہ, بنو اسد اتنا مشہور نہیں. بنو اسد کا ایک نوجوان بنو امیہ پر وہ ان کے تانا دے رہا کہ یہ بھی کوئی قوم ہے, ان کا ایک آدمی آج تک میدان جنگ میں نہیں مرا, سارے بستر پر مرے ہیں. یہ ایسی یہ نفسیات تھی اس قوم کی کہ ان کے لیے عیب تھا بستر پہ مرنا. اور ان کے ایک عرب شاعر کا آپ کو شعر سناتا ہوں, یا رب لا تجعل حیاتی مذلتا ولا موتتی بین النساء النواحح ولكن قتیلا یدرج الطیر حوله وتشرب غربان الفلا من جوانحه. اے میرے رب, ایک میری زندگی کو, میری زندگی میں مجھے ذلت نہ دکھانا, اور ایک میری موت بستر پہ نہ آئے. میری موت
मैदान है जंग में आए और कव्वे मेरी रगों से मेरा खून पी रहे हों और सहरा के जानवर मेरी बूटियां खा रहे हों, मुझे ऐसी मौत चाहिए। इस खून खार कौम को रजी अल्लाह अन्हु बना दी कि अल्लाह राजी हो गया। प्यार और मोहब्बत से आपने सबके दिल जीत लिए। आप सब भाइयों से गुजारिश है, आप सब बासरवत लोग हो, असबाब वाले लोग हो, अपनी अगली नस्ल के लिए सोचो, स्कूल कैसे बनाने हैं, अच्छी मस्जिदें कैसी बनाएं, मस्जिदों में अच्छे उलमा कैसे लाएं, यहाँ के उलमा कैसे लाएं, उलमा को इज्जत कैसे देनी है, उनको और अपनी नस्ल का जोड़ कैसे बिठाना है, आपस में प्यार मोहब्बत से कैसे रहना है, यहाँ की नस्ल में तोड़ पैदा हो रहा है, तलाकों पे तलाकें, तलाकों पे तलाकें हो रही, इसको मोहब्बत में कैसे बदलना है, ये सारे प्रोग्राम हैं जिसके लिए आपको वक्त देना आपकी जरूरत है। जैसे जॉब शॉप के लिए वक्त है, ऐसे ही इन चीजों के लिए मैं आपको हर जगह मैं एक ही बयान कर रहा हूँ, कोई नए फलसफे नहीं बयान कर रहा, हर जगह एक चीज को दोहरा रहा हूँ, भाइयों 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 अल्लाह रसूल से दोस्ती कर लो और अपनी नस्ल को ये दौलत दे के जाओ तो तुम्हारी दुनिया भी महफूज, तुम्हारी आखरत भी महफूज। इसके लिए तुम्हारे पास मस्जिदें हों, तुम्हारे पास स्कूल हों, तुम्हारे पास अपनी तरतीब और ये तबलीग का काम हो बड़ों छोटों के लिए, अगर आप सब थोड़ा थोड़ा वक्त इसमें लगाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क की फिजा बदल जाएगी, फिरका वरियत भी खत्म होगी। अपनी मस्जिदों को खोल दो तबलीग के लिए तो इंशाल्लाह आपकी नस्लों की हिफाजत का एक बहुत बड़ा खूबसूरत काम अल्लाह ने दिया है, इसके जरिए से लोगों में तब्दीली आ रही। तो कोई दिल में आ गया तो इरादे भी दिखा दो, अपने नाम भी बता दो। अल्लाह ने हमें तारुफ कराया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे जहान का पालने वाला हूँ, मुसलमान और शराब बेचे कोई गल जुड़ती नहीं, एक गैर मुस्लिम शराब बेचे वो कहता मैं रोटी की थूका हूँ, लेकिन हमारा तो पहला लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पालने वाला अल्लाह है, मैं ये कैसे कहूँ कि मैं रोटी की थूका हूँ, मेरा रिस्क तो मेरे अल्लाह के जिम्मे है, मैं हराम कभी नहीं बेचूंगा, हराम कभी नहीं खाऊंगा, बेशक हराम पैसा ज्यादा है और हलाल थोड़ा है, हमेशा ये बात पक्की है, हलाल थोड़ा रहेगा हराम ज्यादा रहेगा, अल्लाह का इम्तिहान है, लेकिन जो बरकत हलाल में हराम में कभी नहीं होगी। 1972 की बात है, हमारी जमात गई थी चिचावतनी, तो एक बुजुर्ग थे मौलाना अब्दुल अजीज साहब, उनके पास हम बैठे हुए थे, तो दो बंदे आए, तो एक की तो शक्ल याद नहीं, एक की शक्ल भी याद है, एक्शन भी याद है, चूंकि वो ऐसा अजीब सा था कि मेरे नक्श हो गया। वो कहने लगा हजरत जी दुआ, छोटी छोटी दाढ़ी टोपी पाई हुई, भूरे रंग की टोपी पहनी हुई और भूरे रंग का जोड़ा पहना हुआ, हजरत जी दुआ करो अल्लाह ताला रिज़्क हलाल दे देते, आगे हो गए। तो वो एक्शन ऐसा था कि एकदम मेरे वो फिट हो गया, उसके कपड़े उसकी टोपी हर शायद ऐनक भी लगाई थी, अल्लाह रिज़्क हलाल देवे बहुत। तो उन्होंने बड़े पोले से मुंह से कहा हलाल तो थोड़ा ही लगू। तो जुमले में मौत तक नहीं भूल सकता, उनका हलाल तो थोड़ा ही लगू। तो भाई थोड़ा ले लो पर हराम कारोबार ना करो, हराम कमाइया ना करो, रब्बुल आलमीन को माना है तो उसके रब होने पर यकीन करके अपनी कमाइयों सिर्फ शराब नहीं हर किस्म का हराम निकालो और आहिस्ता आहिस्ता करो। चलो एकदम नहीं होता, एक सेंटीमीटर पीछे आ जाओ, मैं एक मीटर भी नहीं कह, एक सेंटीमीटर पीछे आ जाओ, अगले दिन एक और, अगले दिन एक और, अगले दिन एक और, तो अल्लाह के फजल करम से एक दिन आप सारे निकल जाओगे। लेकिन नीयत करो, इरादे करो कि अपने खुद भी हलाल खाना है, बच्चों को भी हलाल खिलाना है, अगर पैसा ज्यादा है तो जकात अदा करो, यही ढूंढो, बहुत लोग जकात के हकदार, जिनके पेपर मुकम्मल नहीं, जिनके जरूरतें पूरी नहीं हो, सब बेचारे जकात के हकदार हैं, और अल्लाह ताला रिस्क दे तो आपस में मिलके जुड़ के बैठ के अपने स्कूल सोचो, अपने बच्चों की आला तालीम के लिए सोचो और
आपस में अगर कोई लड़ा हुआ है तो सुलह कर लो, खास तौर पर बीवी से लड़ाई है तो फौरी सुलह करो, कि ये वाहिद लड़ाई है जिस पे शैतान खुश होता है, अल्लाह नाराज होता है। और मियां खामिद बीवी की मोहब्बत वाहिद मोहब्बत है मखलूक की जिस पे अल्लाह राजी होता है और शैतान नाराज होता है, इसलिए कि ये दोनों की लड़ाई नस्ल घर खानदान बर्बाद कर देती, और घरों की मोहब्बत पैदा करने का रास्ता है इस जबान की हिफाजत, कि थोड़ा सा जबान को काबू में रखो तो इंशाल्लाह सारे घर में प्यार और मोहब्बत बाकी रहेगी। ये चंद एक चीजों की मैं हर जगह कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, और ये बहुत आसानी सब कुछ हो जाएगा जो हमारे भाई नईम ने कहा, हर महीने 3 दिन आप लगा लिया करें तो इंशाल्लाह ड्यूजबरी मरकज आपके करीब है, जुमरात को वहां जाया करें, महीने में 3 दिन लगा लें तो इंशाल्लाह आप में प्यार मोहब्बत सब कुछ जिंदा हो जाएगा। दुरूशी पढ़ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصلي على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره اللهم انا نسالك يا الله خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك يا الله من شر كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت المستعان وليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله تعالى على النبي الكريم positive.